है ना, जस्ट प्रिपेयर फॉर द ड्रॉप ऑफ द स्ट्रीम, क्योंकि मैं फिलहाल 2 Mbps पे वर्क कर रहा हूँ, है ना। आई एम वर्किंग ऑन 2 Mbps अपलोड स्पीड, तो गेट रेडी फॉर द ड्रॉप। या देर शाम तक ये टीमें पहुंच जाएंगी। कमेंट, इट्स ओके, कमेंट अबाउट द स्ट्रीम। अपलोड स्पीड, तो गेट रेडी फॉर द ड्रॉप। और हाँ, कल पता नहीं किसी ने मुझे कमेंट किया था 40 Mbps की अपलोड स्पीड है, तो इतनी स्पीड से क्या करता भाई वो, अब तो 2 Mbps में ही काम चला लेते। और आई एक्सपेक्ट अभी मोबाइल का भी देखेंगे, है ना, मोबाइल का अभी देखो, अगर इसकी स्पीड ड्रॉप होती है तो मैं मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करूंगा। तो रियली मैं मतलब जब मैंने नेट स्पीड चेक करना शुरू किया तो आई वाज शॉक्ड कि इतनी कम स्पीड में भी जो है, जैसे आई हैव चेक द स्पीड, तो 1.63 Mbps की लोड स्पीड आ रही है, ठीक है। तो अगर अभी आज मेरी क्लास होगी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास होगी, आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी, तो ठीक है। अगर बीच में कुछ होता है, बफरिंग ज्यादा होती है, तो आई विल चेंज विद द मोबाइल नेटवर्क। है अभी फिलहाल मैं ये वाला ब्रॉडबैंड यूज कर रहा हूँ, केबल नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, अगर कुछ ड्रॉप होता है तो ब्रॉडबैंड नेटवर्क। तो कमेंट करते रहो, और वो जो कल हमने डिस्कस किया था लास्ट में एक चीज की, वॉइस मैसेजेस करेंगे, वो बहुत ही अच्छी रही। व्हेन विल बी द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लास? अबे तो मैं फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, और क्या पढ़ा रहा हूँ ऋषभ, फिजिक्स की तो चल रही है, मैथमेटिक्स की वो होगी। हाँ, मैथमेटिक्स की शायद ना हो आज, सुधीर सर इज बिजी, है ना। केमिस्ट्री की होगी, इसके बाद केमिस्ट्री की होगी, तो 2 घंटे फिजिक्स होगी, 2 घंटे केमिस्ट्री होगी। अच्छा, कल जो मैंने कहा था वॉइस मैसेज वाला, वो परफेक्ट मैंने छोटी क्लासेस से शुरू कर दिया है, 6, 7, 8 में। तो नहीं, ये पॉसिबल फिलहाल तो नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स अभी आज के लिए, हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा के लिए मैं लास्ट में ही लूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता, इसलिए मैं कभी पहले नहीं लेता। बच्चे कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर टाइम मुझे ज्यादा चाहिए, है ना। लास्ट में बच्चे थोड़े कम हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम, मगर टाइम ज्यादा मिलना चाहिए। केमिस्ट्री मेरे बाद होगी, व्हाट अबाउट केमिस्ट्री क्लास? केमिस्ट्री क्लास इसके जस्ट बाद होगी, ठीक है। एंड बस ये स्ट्रीम ड्रॉप, मुझे बहुत डर लग रहा था स्ट्रीम ड्रॉप ना हो जाए बस, क्योंकि आई कैन शो यू कि हमारी स्पीड क्या है। अभी मैंने चेक की थी, दिस इज माई स्पीड, तुम इसको देख लो, दिस इज 1.63, दिस इज माई स्पीड, अपलोड स्पीड इज 1.63 एंड डाउनलोड इज 14.63, तो इस स्पीड पे वर्क कर रहे हैं, है ना। सो हाँ, आज उनकी क्लास नहीं होगी, मैसेज किया, तो मैं फिर अगर ये स्पीड और भी ड्रॉप होती है पॉइंट और, तो आई विल चेंज द, है ना, मोबाइल से करूंगा। तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना, अचानक से बफरिंग होने लगे तो ज्यादा मैसेज मत करना, मैं चेंज करके 2-4 मिनट में चेंज कर दूंगा। सिमिलरली केमिस्ट्री क्लास में भी, क्योंकि दोनों क्लास का ये इसी नेटवर्क से मैनेज करना है। ओके चलो, हाँ, तो कल एक जो प्लान बनाया था ना वॉइस मैसेज वाला, वो बहुत ही सक्सेसफुल प्लान है। अगर तुम्हें कोई डाउट होती है, तुम्हें टाइप करने में दिक्कत आती है, थोड़ी सी कोई लंबी डाउट है, तो यू कैन सेंड योर वॉइस मैसेजेस। 6, 7, 8 में काम किया, बहुत ही इफेक्टिव, हाँ, बहुत ज्यादा इफेक्टिव था 6, 7, 8 में। तो यू कैन सेंड योर वॉइस मैसेजेस। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज जिस चीज के बारे में मुझे बात करनी है, कल उसका मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है, कल उसका मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था कि आज मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा। एक बार फिर से मैं वो चीज दिखाता हूं, और शायद, और अटेंडेंस सबकी हो गई है, नाम नहीं लूंगा, देखते रहो तुम लोग। तो आज मैं एक ही जो कंसेप्ट है, और उस पर उसका पहले विजुअल दिखाऊंगा, फिर उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने वेक्टर फॉर्म में सारे फॉर्मूले याद किए थे, तो बेटर रहेगा कि तुम सारे फॉर्मूले वेक्टर फॉर्म में याद रखो, अगले चैप्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जो मेरी रेगुलर क्लास है जो लास्ट में होती है, उसमें मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है कि अब जो मेरी क्लास होगी, वो शुरू की जो 1 घंटे की क्लास है, वो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और बाकी की जो क्लास होगी 1 घंटे 2 घंटे, वो प्रैक्टिस करेंगे, उसको मैंने नाम दिया है लाइव टेस्ट, ठीक है। वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जा रहा है, एक्चुअली में दो चीजें बहुत इफेक्टिव जा रही है, एक तो लास्ट वाला टेस्ट जो है
जो मैं सारी क्लासेस में ले रहा हूँ उसके लिए तो बच्चे पर्सनली मैसेज करते हैं, होम टेस्ट दो, होम टेस्ट दो, हम पागल रहते हैं। तो वो एक बहुत इफेक्टिव जा रहा है ऑनलाइन में, और दूसरा लाइव टेस्ट जो मैंने लिया था, लाइव टेस्ट बहुत इफेक्टिव जा रहा है। तो लाइव टेस्ट, तो क्लास तुम्हारी एक घंटे की होगी, एक सवा घंटे की जो जिसमें होगा, उसके बाद लाइव टेस्ट होगा। तो लाइव टेस्ट में बेसिकली रैंकर्स के लिए होता है, मतलब जो जिनको बहुत अच्छा फ्यूचर में परफॉर्म करना है जेई नीट वगैरह में, तो वो लाइव टेस्ट में परफॉर्म, लाइव टेस्ट तो एक घंटे की क्लास होगी, एक घंटा 30 मिनट की, और उसके बाद फिर लाइव टेस्ट शुरू कर देंगे, है ना। तो कल की तरह लाइव टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो 5 से लेकर 10 तक। तो लाइव टेस्ट अगर तुम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो फिलहाल मैं शुरू करता हूं। आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करनी है, वो टॉपिक का एक प्रेजेंटेशन मैंने तैयार कर रखा है। तो आई विल गिव यू लिटिल बिट प्रेजेंटेशन, एक टॉपिक का प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है। तो मैं उस प्रेजेंटेशन को पहले प्रेजेंट करता हूं, एंड देन उस टॉपिक पे। लास्ट में मैंने कल प्रेजेंटेशन दिखाया था हल्का सा, आज फिर से दिखाता हूं उसको। प्रेजेंटेशन का नाम है, एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, और कल मैंने वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूले दिए थे, उसी पे टोटली वर्क करेंगे आज। दिस 2 मिनट में प्रेजेंटेशन आता है, दिस इज आवर प्रेजेंटेशन, इट विल कम इन 2 मिनट्स, शुड मिनिमाइज दिस। शायद आज पूरी क्लास में हम इसी की बात करेंगे, है ना, इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें करेंगे। तो ध्यान से देखो इसको, पहले मैं इसको लाइव प्ले कर देता हूं, इस प्रेजेंटेशन को लाइव प्ले कर देता हूं, इस प्रेजेंटेशन को पहले लाइव प्ले कर देता हूं। फोटो अपनी मेरी सही जगह है, तो पहले थोड़ी सी छोटी कर लेता हूं फोटो, और मैं प्रेजेंटेशन का लाइव प्ले करता हूं। ये प्रेजेंटेशन में क्या है, एक बॉल को हमने फेंका है, ऊपर की तरफ थ्रो किया है, और उसके हम डिफरेंट ग्राफ बना रहे हैं। वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, डिफरेंट ग्राफ बना रहे हैं। आई एम शोइंग, मैंने पॉज किया 2 मिनट के लिए शुरू से दिखाने के लिए। इसको बहुत ध्यान से देखो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, इसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखो बहुत ध्यान से। ये बॉल हमने फेंका, उसके सारे ग्राफ है। तो ये बॉल जा रही है, फिर मैं पॉज कर करके दिखाऊंगा, तो पहले तुम लाइव देख लो। एक बार फिर से लाइव देख लो, फिर मैं पॉज करता हूं। ठीक है, आई थिंक तुमने लाइव ध्यान से देख लिया होगा। अब मैं पॉज करता हूं, अब इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। तो ये एक्चुअली में, अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं, ये रियल में क्या है, और इसको साथ लेके हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, है ना। आई थिंक ये दिखाई दे रहा है, यस नो करते रहो, यस, है ना। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, इसका वीटी ग्राफ इधर टाइम एक्सिस है, इसका हम तीनों ग्राफ बना रहे हैं, वीटी, एटी और वीटी, वाईटी की जगह एक्सटी हो जाएगा। YT की जगह XT हो जाएगा, और हम पूरे टाइम इसी प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे आज, और इस पे बहुत सारे सवाल लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा सही कर लूं इसको। तो इस प्रेजेंटेशन में हम देखा, एक बॉल जब ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, है ना, एक बॉल जब ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके डिफरेंट ग्राफ्स कैसे बनते हैं वो हमने देखा प्रेजेंटेशन में। ओके, सो अब हम इसमें बहुत सारी बातें करेंगे। अब
इसको साइड में पॉज करके रखा है इसमें। अब चलो ये भी चलेगा। ओके तो मैंने लाइव दिखा दिया तुम्हें, अब शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं अब मैं इसको जैसे कोई बॉल ऊपर की तरफ आ रही है, अच्छा मैं चाहता हूं ये सामने ना आए, ये बार बार आ जाता ना, ये सामने ना आए। इसके ट्रिक है मेरे पास, है ना, एक ट्रिक है मेरे पास जैसे ये सामने नहीं आता है, ये इसमें नहीं आता है, मगर ये रिस्की ट्रिक है, इसे बंद हो जाता है बहुत जल्दी। आई विल मैनेज इट। आधी किताब में इस तरह के केसेस होंगे, इस तरह के कम से कम नहीं तो तुम्हें 50 सवाल तो मिल ही जाएंगे इस कंसेप्ट पे। मतलब इस प्रेजेंटेशन में 50 सवाल तो मैं बता ही सकता हूं, एटलीस्ट 50 सवाल तो ये इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे करता हूं, अब मैं लाइव को नहीं, लाइव नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे सिखा रहा हूं। तो किसी बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ध्यान से देखना इसके तीनों ग्राफ को, ध्यान से देखना ये जो ग्राफ है, थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करूंगा, ये जो ग्राफ है इसको वाईटी, क्योंकि वर्टिकली द इनिशियल वेलोसिटी वाज मैक्सिमम, ऑब्वियसली जब इसी को प्रैक्टिकली एनालाइज करो, ठीक है, यहां पर ये वाईटी ग्राफ है, एक्स टी की जगह वाईटी है क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो वाईटी ग्राफ है, तो वाईटी ग्राफ है हम देखेंगे। और कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन भी यहां पे ले लेते हैं, सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले लेते हैं, साथ में न्यूमेरिकल भी करते हैं, न्यूमेरिकल भी सपोज करो एक पार्टिकल होगा, तो एक पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट किया है ना, जैसे बॉल, ग्रीन कलर की बॉल भी ले लो, वी हैव ग्रीन कलर बॉल, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, मैं नीचे आ जाता हूं, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है और अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड बहुत है, तो अगर मैं इसको वी नॉट बोल दूं या 10 मीटर पर सेकेंड लिख देता हूं, इट मेक्स नो डिफरेंस, 10 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। तो इसको मैंने इस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया, डायग्राम थोड़ा सा ये बना, बड़ा बनेगा। ऑब्वियसली जब हम किसी पार्टिकल को अर्थ की सरफेस के ऊपर फेंकते हैं, जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करेगा, है ना, जब इस पार्टिकल, ये पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा, डॉटेड पॉइंट से दिखा देता हूं, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ग्रीन से दिखा देता हूं, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी ऊपर जाएगा तो रिड्यूस होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे यहां पे दिख रहा होगा तुम्हें, इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि अर्थ हर एक चीज को खींचती है ना, अर्थ किसी भी चीज को डाउनवर्ड पुल करती है, अर्थ किसी भी चीज को डाउनवर्ड पुल करती है और अर्थ की वजह से जो एक्सीलरेशन होता है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक्सीलरेशन मतलब वो वेलोसिटी के अपोजिट होता है, तो इनिशियली वेलोसिटी के अपोजिट होता है और उसकी, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कम हो जाएगी, एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो अगर किसी चीज को तुमने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें लॉजिकली भी कर सकते हो, अगर मैं डेटा थोड़े से चेंज करूं ना करूं, एक सेकेंड, ठीक है, अगर 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो ये एक सेकेंड बाद रुक जाएगा, तो ये एक सेकेंड बाद ये ऊपर जाएगा पार्टिकल और इसकी वेलोसिटी एक सेकेंड बाद जीरो हो जाएगी, क्योंकि अर्थ इसकी वेलोसिटी कम कर रही है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड कम कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी एक सेकेंड बाद जीरो हो जाएगी। बिना फॉर्मूले लगाए बता सकते हो, फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं, इसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, ये थोड़ा छोटा होता जाएगा, डायग्राम में अच्छा दिखाया, मैं ज्यादा नहीं दिखाता हूं, इधर विजुलाइज में भूल जाता हूं कि मैंने इधर विजुलाइज कर दिया है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी यहां पर ये एक सेकेंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, एक सेकंड में पहुंच जाएगा और एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम कर रही है। जी की वैल्यू 9.8 होती है, 9.8 नॉर्मली हम जो क्वेश्चन लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू जी की वैरी करती रहती है, हर जगह पे थोड़ी बहुत वैरी करती है, मगर कैलकुलेशन करने के लिए 10 अच्छा रहता है, 9.8 होती है मगर हम 10 लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो 9.8 लेंगे, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 मीटर पर सेकंड है तो तुम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो, 9.8 नहीं लोगे।
ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम करने वाले जो लोग होते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं. 10 मीटर पर सेकेंड कम होते हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा, वॉइस मैसेज भेजो. हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड काम होता है ये समझ नहीं आ रहा, जस्ट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि काम होता है क्या हुआ. ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है, हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कम होगी. ठीक है, तो शुरू में अगर इसकी वेलोसिटी, या अगर सपोज करो मैं ऐसे चेंज कर दूं कि अगर इसकी वेलोसिटी मैं 20 मीटर पर सेकेंड कर दूं, मान लो अगर इसकी थ्रो करने की वेलोसिटी है सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड कर दूं, अगर तुम्हें 10 मीटर पर सेकेंड पसंद नहीं है तो वो तो कुछ तो बिना कैलकुलेशन किए कर सकते हो, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं. अगर मैंने वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड कर दी पार्टिकल की, मान लो वेलोसिटी कर दी 20 मीटर पर सेकेंड, अब एक सेकेंड में कितनी वेलोसिटी कम हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड की, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ 10 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड, ये देखना ध्यान से, इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ये एक्सेलरेशन ही, तो ए से रिप्रेजेंट करो या जी से रिप्रेजेंट करो चलेगा. ठीक है, तो इसको अक्सर क्योंकि जो अर्थ का एक्सेलरेशन होता है उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक्सेलरेशन है, तो इसको जी से इसको एक्सेलरेशन ही समझना. तो मैं अलग कलर यूज करके लिख देता हूं, जस्ट ये ए ही है, ये एक्सेलरेशन ही है, तो उसको अर्थ का स्पेशल होता है, इसको जी से, अर्थ स्पेशल है हमारे लिए, धरती हमारी माता है तो माता को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो स्पेशल वर्ड देते हैं जी, है ना, ऐसे ग्रेविटी ऐसा जो है साइंस के हिसाब से भी अर्थ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अर्थ के लिए स्पेशल सिंबल होते हैं, तो जी होता है. तो जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हो, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कम होगी. कम होगी अगर 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी और 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी ऊपर जाएगा 2 सेकेंड तक और 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. ऑब्वियसली इसको फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, मगर डायरेक्टली अगर 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है और हर सेकेंड में कितनी कम हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड, तो टोटल जीरो कम हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, तो 2 सेकेंड बाद. तो इसमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो अगर देर में निकालना है, मगर लॉजिकली सिंपल निकल रही है. तो एक्सेलरेशन का मतलब समझना कि हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कम हो रही है. एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन की यूनिट पे ध्यान दोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए और जी एक ही बात है, इसको जी लिख लो चलेगा, इसको तुम लिख सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, है ना, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पीछे है. अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो, ये मैंने कल भी बताया था, कल ध्यान दो कल की क्लास में बताया था कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है तो जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को कम करेगा, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाएगा. सपोज करो अगर ये एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी की, तो ये एक सेकेंड में 10 बढ़ा देता, ठीक है, और एक सेकेंड में 10 बढ़ा देता, 2 सेकेंड में 20 बढ़ा देता, 3 सेकेंड में 30 बढ़ा देता, क्योंकि ये हर सेकेंड में, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी पर सेकेंड नहीं होता, ऋषभ गलत है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज होता है, तो एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी चेंज होता है. तो यहां पर अगर 20 से फेंकोगे तो एक सेकेंड में कितना चेंज होगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड जीरो कब होगा, 2 सेकेंड के बाद, क्योंकि ये एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड चेंज होगा, तो 2 सेकंड में कितना चेंज होगा 20 मीटर पर सेकंड, इस तरह. तो लॉजिकली अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, जिनको लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा है वो फॉर्मूला यूज करें, है ना, मूर्ख लोग फिर फॉर्मूला यूज करते हैं. देखो लॉजिकली यहां से क्लियर है, बहुत लॉजिकली क्लियर है, फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे. तो एक्चुअली मैं यहां पे लाइव भी देखते जाओ, ग्राफ से भी देखते जाओ, ग्राफ देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और नीचे की तरफ होगा, ग्राफ का नेगेटिव है. वेलोसिटी का ग्राफ देखो, इनिशियली वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और फिर वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो यहां पर अगर तुम्हें लॉजिकली समझ में नहीं आया तो मैं फॉर्मूले से समझाता हूं, तो जैसे भी समझो, ठीक है, जो बच्चे लॉजिकली समझ नहीं पाते उनके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर्मूला स्पेशल फॉर्म में.
अब मैंने अभी तक मना किया था कि एक्सेलरेशन, अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो स्लो कमेंट कर देना प्लीज, अगर मैं फास्ट बोलूं तो स्लो कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें बतानी रहती हैं, तो मैं एक्चुअली में मेरे दिमाग में अगर 100 बातें चल रही हैं, मैं तुम्हें 10 बता पाता हूं, इसलिए कभी कभी बहुत फास्ट हो जाता हूं, ठीक है। अभी क्योंकि मुझे 20-30 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो नॉलेज इतनी हो गई है कि संभलती नहीं है, ठीक है, इसलिए अक्सर इधर से इधर से इधर से इधर से पॉइंट सब इधर उधर से, एक ही सवाल के पता नहीं मल्टीपल मेथड है, जैसे बिना फॉर्मूला लगाए मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, लॉजिक से सॉल्व कर दिया 2 सेकंड, ठीक है। बाकी जो थोड़े से मतलब अगर लॉजिक नहीं लगाएंगे वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर ले, चलो जो लॉजिक नहीं लगाएंगे, ठीक है, जिनके पास, स्लो हो जाता हूं, जिनके पास लॉजिक है वो सीधा लॉजिक से समझ जाएंगे क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 m/s² नीचे की तरफ, वेलोसिटी है ऊपर की तरफ। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कम करेगा। कितना कम करेगा वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, स्लो कर रहा हूं, हाँ, कितना कम करेगा, यस यस यस, ठीक है, कितना कम करेगा, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो फिलहाल ये मान लो मैंने पार्टिकल को 10 से नहीं, शुरू में मैंने 10 से फेंका था, मान लो पार्टिकल को मैंने 20 m/s से फेंका, ठीक है। अर्थ की सरफेस पर अर्थ हर एक पार्टिकल को नीचे की तरफ खींचती है, रुक जाओ, अर्थ वाई एक्स विल नॉट कम, 0 सेकंड वेलोसिटी मैक्सिमम वाई, ये समझ नहीं आया, कुछ सवाल मुझे समझ नहीं आ रहे सर, इंस्टेड ऑफ वाई एक्स विल नॉट कम, 0 सेकंड पर वेलोसिटी मैक्सिमम वाई, हाँ, तो मैं स्लोली समझा रहा हूं, एक्स की जगह वाई इसलिए यूज किया कि पार्टिकल ऊपर वर्टिकली मूव कर रहा है, तो वर्टिकली मूव करे y लिखो, हॉरिजॉन्टली मूव करे x लिखो, मगर अगर वर्टिकली भी x लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम यहां पे y लिखो या x लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो अभी स्नेहा बॉल फॉल कहां कर रही है, बॉल को मैंने थ्रो अप किया है, अभी मैं अपवर्ड थ्रो की बात कर रहा हूं, बॉल को मैंने इसीलिए तो दिखा रहा हूं, बॉल को जब मैंने ऊपर की तरफ फ्लो किया, अभी फॉल डाउन नहीं हुआ है, ये केस मैंने आधा केस लिया है, इसने आधा केस लिया है, ये ऊपर जाने का केस लिया है, नीचे आने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मैं ऊपर जाने की बात कर रहा हूं, तो पूरा इसलिए मैंने दिखा दिया, बॉल को मैंने फेंका और वो पहले ऊपर जाएगी, पहले नीचे आएगी, पहले ऊपर जाएगी ना, तो पहले फिलहाल मैं ऊपर जाने की बात कर रहा हूं, फिलहाल मैं नीचे आने की बात नहीं कर रहा, तो अभी मैं बॉल के ऊपर जाने की बात कर रहा हूं आराम से धीरे धीरे, ठीक है। अभी मैं नील, ये तो मैंने अभी बताया ही नहीं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये फालतू का क्वेश्चन क्यों कर रहे हो भाई, अभी तो मैंने बोला ही नहीं है एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लिखा ही नहीं है नेगेटिव है, ठीक है, अभी तो लिखा ही नहीं है नेगेटिव, पॉजिटिव की बात ही नहीं की मैंने, तो सिंपल सिंपल लॉजिक बताया तुम्हें, पहली चीज आराम से समझो, मैंने मान लो बॉल को 20 m/s से ऊपर ऊपर की तरफ फेंका, प्रैक्टिकली समझो, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका 20 m/s से, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली पहले दिखा दिया। अर्थ हर एक चीज को, अर्थ पृथ्वी हर एक चीज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है, तो नीचे की तरफ पुल करती है, तो अगर नीचे की तरफ पुल करेगी तो नीचे की तरफ ही एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द फोर्स, ये वैसे तुम्हें अगले चैप्टर में क्लियर होगा, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, मेरा प्रेजेंटेशन चला गया, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द फोर्स, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द फोर्स, प्रेजेंटेशन को पॉज कर दो, मैंने दिखा दिया, तो एक चीज जो अगले चैप्टर में आएगी फिलहाल, तो एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द फोर्स, ऑलवेज टुवर्ड्स द फोर्स, जिधर फोर्स लगेगा उधर होगा, टुवर्ड्स फोर्स, तो एक्सेलरेशन फोर्स की तरफ होगा। तो अर्थ हर एक पार्टिकल को अपनी तरफ खींचती है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 10 m/s² या 9.8 m/s², कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, समझ आ रहा होगा, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम अक्सर 10 m/s² लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ये है 10 m/s/s, यानी 1 सेकंड में 10 m/s की वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन कम हो रही है। और जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मैंने निगेटिव नहीं बोला,
अभी नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड मैंने यूज ही नहीं किया, मैंने बोला कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो अपोजिट तो कैसे भी हो सकते हैं, ये ऊपर हो सकता है ये नीचे हो सकता है, या ये नीचे हो ये ऊपर हो, तो जहां भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है ना, अगर मैं एनसीईआरटी की भाषा में लिखूं तो इसको वी नॉट बोलूंगा, तो ये बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जब भी ऐसा होगा तब हमेशा वेलोसिटी कम होगी, तब हमेशा वेलोसिटी कम होगी। स्लो के लिए कमेंट कर देना, मैं कब फास्ट हो जाऊंगा मुझे पता नहीं चलता, मैं कितना जल्दी बोलने लगता हूं पता नहीं चलता, ये मेरा मेन प्रॉब्लम है, तो जस्ट कमेंट स्लो है ना, जैसे ही मैं फास्ट हो जाऊं। तो वेलोसिटी और मेरी बात को ध्यान से सुनना, अपने दिमाग से फालतू चीजें सब हटा दो, जो मैं कह रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस के बाद कह रहा हूं, वो किसी बुक से नहीं आया है, ये मेरा 20-30 ईयर का एक्सपीरियंस है जो बोल रहा है, बुक नहीं बोल रही है, कोई बुक नहीं बोल रही है मेरे थ्रू, है ना, तो फिजिक्स बुक से नहीं आती, सुनना ध्यान से, कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे तब हमेशा वेलोसिटी कम होगी, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। सुनो ध्यान से, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी कम होगी, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है शिव, मैंने पूछा नहीं, बिकॉज ग्रेविटी अट्रैक्ट एवरीथिंग डाउन, इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, अब वो पता नहीं, अपने लॉजिक लगाओ, वो बाद में देखना, अपने लॉजिक फिर करते रहना, पहले मेरी बात सुनो, अभी कमेंट मत करो, जब तक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट ना हो तब तक बहुत कमेंट ना करो, ठीक है, अपने लॉजिक, पहले मेरा लॉजिक सुन लो फिर बताते रहना, मैं सुनता रहूंगा तुम्हें, है ना, वॉइस मैसेज भेज देना, कमेंट भेजना, सुनता रहूंगा, अपने लॉजिक, पहले मेरा लॉजिक तुम ध्यान से सुन लो, ठीक है, ये हो गया। तो जब हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे ये, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अब यहां पे सीधी सी बात है, अगर एक्सेलरेशन का फार्मूला ये वैल्यू देखें तो इसका इसका मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी कम होगी, ये एक सेकंड में 10 मीटर कम हो जाएगी, यानी अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, तो एक सेकंड बाद इसकी 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड बचेगी, फिर एक सेकंड बाद कितनी होगी, सपोज करो ये हरा वाला पार्टिकल यहां पर एक सेकंड बाद है, ठीक है, तो ठीक एक सेकंड के बाद, क्योंकि एक सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कम हो रही है, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, एक सेकंड में कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ, तो अगर एक सेकंड के बाद ठीक बात करूंगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 10 कम हो चुकी है, अगले एक सेकंड की और बात करूंगा तो इसकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी और जीरो हो जाएगी, अभी तक मैंने यहां तक बात की, फिर उसके बाद जैसे ही वेलोसिटी जीरो होती है ये पलटी मारता है, ठीक है, और इस हरे वाले पार्टिकल के पलटी मारते ही पहले ऊपर की तरफ जाएगा, पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे इसका ट्रैक दिखा दिया, ठीक है, फिर ये पलटी मारेगा, उसी ट्रैक पे पलटी मारेगा, तो इस ट्रैक पे वापस पलटी मारा, ठीक है, वो सामने शो किया गया, इस ट्रैक पे वापस पलटी मारा, लॉजिकली समझ लो, बहुत सारे सवाल इस पे बनते हैं मगर मैं तुम्हें लॉजिकली समझा रहा हूं, फिर सवाल तो तुम कुछ भी कर लोगे, तो यहां पे वेलोसिटी जीरो गई, यहीं से पलटी मारेगा, यहां से वापस नीचे आना शुरू होगा, ठीक है, फिर वापस ऐसे आएगा, मगर जैसे ये वापस टर्न लेगा, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, जहां पे पलटी मारा एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पलटी मारा, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पलटी मारा, यहां वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी, बढ़ना शुरू होगी, क्यों बढ़ना शुरू होगी, एक्सेलरेशन तो अभी भी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन तो अभी भी नीचे की तरफ है, मगर अब वेलोसिटी जीरो होने के बाद फिर क्या होगी, फिर नीचे की तरफ हो जाएगी, है ना, और फिर यहां पे जीरो है और एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी और जी एक दूसरे के अपोजिट हो तो वेलोसिटी कम होगी, अब पलटी मारने के बाद क्या है, अब तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ आ गई, अब तो यहां पे जीरो होगी मगर थोड़ी सी यहां पे बढ़ जाएगी, यहां पे अगर यहां पे दिखाओ, क्योंकि यहां पे तो जीरो होगी मगर यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, हम निकाल सकते हैं इसको, तो अब नीचे आते समय वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, मैं इस पे 2-3 घंटे बात कर सकता हूं और इस पे कम से कम इस टॉपिक पे 50 सवाल तुम्हें मिलेंगे, पूरा 50 सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, तो ये 50 क्वेश्चंस का मटेरियल दे रहा हूं, 50 क्वेश्चंस का, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए पहले मैं लॉजिकली बता रहा हूं सब चीजों को, फिर लॉजिकली समझ में ना आया तो फॉर्मूला है,
एक मिनट, मैं कमेंट थोड़ी देर में पढ़ूंगा। मैं जब खोपड़ी ऐसे कर लूँ तो कमेंट पढ़ रहा हूँ, ऐसे कर लूँ तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मैं ऐसे खोपड़ी है मान लो, तो मैं तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना? तो मैं अपना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँ फिर कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है? तो वेलोसिटी कमेंट तुम करते रहो, मैं पढ़ूंगा थोड़ी देर में। तो वेलोसिटी अब बढ़ेगी, अब बढ़ेगी, और जीरो से फिर एक सेकंड बाद, फिर अगले एक सेकंड बाद, यानी अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो दो सेकंड में यहां पे जीरो हो जाएगी। एकदम लॉजिक से बात करते हैं, टू सेकंड में जीरो हो जाएगी और फिर एक सेकंड बाद नीचे की तरफ बढ़ जाएगी। तो एक सेकंड बाद यहां पे जीरो हो गई, टू सेकंड बाद यहां पे जीरो हो गई और फिर बढ़ेगी, और फिर बढ़ के एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। और फिर बढ़ के एक सेकंड बाद फिर यहां पर एक सेकंड हो जाएगा, और फिर एक सेकंड बाद बढ़ के कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, सेम हो जाएगी इस तरह से। तो ये हमने बिना फॉर्मूला लगाए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और इसके बाद अब फॉर्मूला लगा के करेंगे। तो जो थोड़े से लॉजिक में इतने स्ट्रांग नहीं है, मतलब उनके लिए फॉर्मूले हैं, फिर फॉर्मूले से देख लेना। हाँ, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी। अब मैं कमेंट पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है? और किसी ने अगर वॉइस मैसेज भेजा हो तो कमेंट कर देना। वॉइस मैसेज में मुझे बहुत मजा आ रही थी, तो उसमें लाइव जैसा लगता है, उसमें ऐसा लगता है जैसे बच्चा क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। यू कैन सेंड योर वॉइस मैसेजेस। मैं लक्ष्य 11 नाम रख दिया मैंने, हर किसी का नाम लक्ष्य रखा था, लक्ष्य 9, लक्ष्य ये सब सब लक्ष्य से है, तो सारे नाम लक्ष्य से हो गए, तो ढूंढने में आसानी होती है उससे। लक्ष्य 12, लक्ष्य 11 होगा। तो यू कैन सेंड योर वॉइस मैसेजेस, जैसे ही सेंड करता कमेंट कर देना। चलो अभी मैं बात नहीं करता हूँ, नहीं तो मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा। हाँ, तो अगर हम बात करें, अगर मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूं, तो स्लो करने के बाद जो कमेंट मेरे पास आए, सर इंस्टेड ऑफ वाई एक्स विल नॉट कम। हाँ, ये एक्स और वाई, जब मैं ऐसे खोपड़ी, तो तुम्हारे कमेंट्स का आंसर दे रहा हूं, तो खोपड़ी पे ध्यान देना। मेरे पास दो स्क्रीन है, एक में मैं पढ़ाने वाली चीज चलती है और एक में तुम्हारे कमेंट है, तो मैं ऐसे तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं। तो मैं ऐसे कमेंट पढ़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स बहुत बड़ा है इसलिए मैं फालतू के कमेंट होने नहीं देता। सर इंस्टेड ऑफ वाई एक्स, उमा के आई थिंक जो जो भी है लॉगिन नेम से मेरे पास आया है कि वाई, कुछ भी यूज करो कोई फर्क नहीं रहता। वाई इसलिए क्योंकि पार्टिकल वर्टिकली मूव कर रहा है, पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो एक्स वर्टिकली मूव कर रहा है, वाई तो कुछ भी ले सकते हो। जीरो सेकेंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, ऑब्वियसली जीरो, क्रिश वेलोसिटी जीरो सेकेंड पे मैक्सिमम होगी क्योंकि उसके बाद तो कम हो रही है ना। वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी तभी जब कोई उसको कम करने वाला होगा, तो शुरू में तो वेलोसिटी ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी, फिर क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी कम होगी। बट व्हेन बॉल फॉल डाउन, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, देन, हाँ ये मैंने आंसर दे दिया था, हाँ फॉल डाउन होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, स्नेहा तुमने लिखा है, बट व्हेन बॉल फॉल डाउन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन देन व्हाई वेलोसिटी डिक्रीजिंग। नहीं, जब फॉल करती है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, वो तो मैं समझ में आ गया होगा, है ना? आई थिंक कमेंट बाद में कर ले। सर वाई एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, नील मैंने ये बोला ही नहीं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अभी फिलहाल कुछ नहीं बोला। ओके, व्हेन द बॉल फॉल्स वेलोसिटी डज नॉट डिक्रीज बट इट डज इन नेगेटिव डायरेक्शन। व्हेन द बॉल फॉल्स वेलोसिटी डजंट डिक्रीज बट इन, नहीं नेगेटिव पॉजिटिव मैंने वर्ड यूज नहीं किया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात करें, नेगेटिव और पॉजिटिव यहां पर डायरेक्शन से होता है, और नेगेटिव पॉजिटिव के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। कभी भी कोई, तुम नीचे पॉजिटिव ले सकते हो, वो कोई रूल नहीं है, नीचे पॉजिटिव लो ऊपर नेगेटिव लो, एक डायरेक्शन पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी ये तुम्हारे ऊपर है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, अगर कोई बच्चा कहता है कि नीचे जब बॉल आती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो वो गलत कहता है। मैं ऊपर नेगेटिव ले लेता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात नहीं की, मैंने बात की कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे की डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। मैंने ये कभी नहीं बोला कि नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है? अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन याद कर लो, दिमाग में याद कर लो, बाद में पॉज करके नोट्स बना लेना, ठीक है? क्योंकि नोट्स बनाऊंगा तो पता नहीं कितने नोट्स हो जाएंगे, इसलिए दो नोट्स नथिंग, सुनते जाओ मेरी बात को, कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी कम होगी।
सिंपल सी बात है, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है. व्हेन द बॉल फॉल्स वेलोसिटी डज नॉट डिक्रीज बट इट गोज नेगेटिव. जब बॉल फॉल करेगी तो सिंपल सी बात है, जब बॉल फॉल करेगी उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ेगी. तब नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही ना करो. नेगेटिव पॉजिटिव की बात मैंने अभी तक नहीं की क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है. कहां पे करूंगा बताऊंगा. व्हाई इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, वो और क्या होगा. क्योंकि अगर कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकोगे, अर्थ उसे नीचे की तरफ खींचेगी, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो इनिशियल हमेशा ज्यादा होगी. ठीक है, फिर जब टॉप मोस्ट पे जीरो हो जाएगी, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी. बिकॉज ग्रेविटी अट्रैक्ट, शिव ने आंसर भी दे दिया एवरीथिंग, सो इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी. जो भी है तुम देख सकते हो. इन द वीटी ग्राफ द नेगेटिव साइन ऑफ वेलोसिटी जस्ट इंडिकेट द डायरेक्शन. यस, वीटी ग्राफ इसलिए ध्यान से देखो, बहुत बड़ी चीज है. मैंने बहुत मेहनत करके इसको यूट्यूब पर ढूंढा है, तीनों ग्राफ एक साथ कैसे, क्योंकि अगर मैं बनाता तो तीनों एक साथ नहीं बना पाता था. कोई भी बच्चा तीनों ग्राफ एक साथ नहीं बना सकता है ना. तीनों का एक दूसरे में आपस में रिलेशन देखना, तो तीनों जो है वो एक साथ बन रहे हैं, तो बहुत लाइव और बहुत इंटरेस्टिंग है. तो इसको मैं बार बार दिखाऊंगा. अभी वो अलग बात है कि बाद में तुम ग्राफ बना के प्रैक्टिस कर लो. और ये जो इस तरह का केस है वो हर जगह है, जेई में, नीट में, स्कूल बुक्स में, इन एवरी बुक ये केस तो होगा ही. ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है और एटलीस्ट 50 क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टाइप के इस केस में होंगे. मैं अभी 50 क्वेश्चन बना सकता हूँ. डज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं. एक मिनट, क्वेश्चन बहुत है, मैं कमेंट के आंसर दे रहा हूँ. डज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ऑन, भाई पुराने वीडियो देखो जाके, ये जो एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस ही है. ठीक है, एक्सेलरेशन, जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं वो इंस्टेंटेनियस ही होता है. एवरेज जब एक्सेलरेशन होता है तो एवरेज बोलते हैं. याद रखो, जब मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं उसका मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस एक लंबा शब्द होता है तो उसको बार बार लगाते नहीं है और कंफ्यूजिंग होता है. मगर याद रखो, जब भी कोई वेलोसिटी बोलता है उसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. एवरेज वेलोसिटी को कोई वेलोसिटी नहीं बोलता. जब भी क्वेश्चन आएगा एवरेज, जब भी अगर क्वेश्चन आता है फाइंड वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कभी मत निकालना, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा फाइंड एक्सेलरेशन, वो इंस्टेंटेनियस, मतलब उस इंस्टेंट पे. इंस्टेंटेनियस का मतलब है उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन. प्लीज स्लो, फास्ट हो जाओ तो स्लो कर देना, फास्ट हो जाओ तो कमेंट देख रहा हूं स्लो, आई थिंक है ना. इंस्टेंटेनियस आज बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इसमें. डू इंस्टेंटेनियस, अभी लगता है एनर्जी, रात को एनर्जी कम हो जाती है सबकी, है ना, इसलिए 4 बजे से. डू इंस्टेंटेनियस एग्जिस्ट, तो सारे ही इंस्टेंट, एग्जिस्ट का सवाल छोड़ो, एक्सेलरेशन जो अब मैं यूज कर रहा हूं वो इंस्टेंटेनियस ही है. एग्जिस्ट तो बात सवाल ही अजीब सा है. हाँ, अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन पूछना होगा तो मैं बोलूंगा फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है, एग्जिस्ट ऐसे नहीं, एग्जिस्ट नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ये कौन, मे बी एग्जिस्ट, अपने खुद ही आंसर दे रहा हूं. मे बी एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब होता है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है भाई. पीछे के वीडियो देखो ढंग से, मैंने इंस्टेंटेनियस बताया है. जो डीवी अपॉन डी टी होता है, ए इज इक्वल टू, मैं 4 टर्म से एक ही बात तुम लोगों को समझा रहा हूं पिछले इतने घंटों से, कई क्लास हो चुकी है, इसलिए फिजिक्स रियली में टफ है ना, इसलिए बहुत समझाना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है. आई थिंक मैंने पिछले कई क्लासों में सिर्फ 2 ही बातें तुम्हें समझाई हैं. पहली बात वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और दूसरी बात ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी. और ए डी वी अपॉन डी टी इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है, तब भी तुम ये सवाल पूछ रहे हो तो पीछे ढंग से रिवाइज करो. मे बी इट एग्जिस्ट, अच्छा फिर भी मे बी कह रहा है. आई गॉट इट अबाउट एक्सेलरेशन. सर फाइनल वेलोसिटी विल बी 20 meter per second. यस, वो निकाल भी सकते हैं. हर्ष पटेल, अच्छा अटेंडेंस शुरू में दे दिया करो. व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड द वेलोसिटी इंक्रीज रैपिडली. हाँ, इंक्रीज और डिक्रीज का रेट सेम है. देखो ऋषभ का क्वेश्चन अच्छा है. व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड द वेलोसिटी इंक्रीज रैपिडली. रैपिड वर्ड यहां पे कंफ्यूजिंग है. देखो इंक्रीज और डिक्रीज का रेट सेम है. यहां पर चेंज इन वेलोसिटी का रेट फिक्स है 10 meter per second. 1 second में 10 meter per second का वेलोसिटी चेंज होगा, चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, है ना. 1 second में 10 meter per second की वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ फेंका है तो 1 second, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है तो 1 second में 10 meter per second वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो 1 second में 10 meter per second बढ़ जाएगी. तो वो रैपिड वर्ड सही नहीं है. यहां पर चेंज रेट इज कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी चेंज होने की रेट कॉन्स्टेंट है. इट इज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. शिव यू आर राइट. सर व्हेन बॉल कम्स डाउन वेलोसिटी विल पॉजिटिव. पॉजिटिव नेगेटिव की बात ना करो, वो तो
तुम कुछ भी assume कर लो direction. Sir, when it come down, velocity will not be double. Yes or not? No, same होगी. वो अभी calculate करके भी निकाल सकते हो. If final velocity of the object is 20 meter per second, the object would again bounce in upward direction. If this is so, the object will never. हाँ, bounce कर सकता है. मगर bounce में क्या होता है इसने हाँ, energy loss होती है. जब practically चीजों को bounce कराते हैं, तो bounce back ऐसे bounce करता है. मगर bounce में क्या होता है कि जब कोई चीज bounce करती है, उसकी energy थोड़ी सी कम होती है. तो हर बार जब bounce back करेगा, तब उसकी bounce back करने के बाद velocity 20 नहीं होगी. ठीक है, अगर 20 से वापस गिरा है तो जब जमीन से बाउंस करके वापस जाएगा, तुम किसी चीज को टिप्पा खिला के घर पे होगे, किसी चीज को नीचे ड्रॉप करो, कभी मैं इसका वीडियो लेके आऊंगा, किसी चीज को नीचे ड्रॉप करो और वो ऊपर आती है, तो जिस वेलोसिटी से वो गिरी है जमीन पे, उस वेलोसिटी से ऊपर नहीं आती. अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, टप्पा खाने के बाद कोई चीज उसी वेलोसिटी से वापस नहीं आती. ठीक है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है. और दूसरी एक बात और है, ये सारा जो ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ये तब सही है जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है. ठीक है, ये प्रैक्टिकली एकदम पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली एयर रेजिस्टेंस भी है. तो ये सारे जो हम ये जो क्वेश्चन है, ये वैक्यूम में है और वैक्यूम प्रैक्टिकल नहीं है. तो मैं एक बहुत फेमस सा वीडियो दिखाऊंगा, पहले लोगों को बहुत अभी वीडियो आएगा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी पहले गैलीलियो का एक वीडियो था, तो वो एक्चुअली मैं जब वीडियो दिखाऊंगा तब बात करूंगा ढंग से, मगर अभी इंट्रोडक्शन देता हूं. तो गैलीलियो के पहले लोगों को लगता था कि अगर हम बहुत बड़ी हाइट से एक भारी चीज फेंकें और एक हल्की चीज फेंकें, जैसे एक पंख फेंके, पंख एक कबूतर का पंख, एक किसी चिड़िया का पंख फेंके और एक कोई भारी चीज ले लो, कोई वेट फेंके, तो जो वेट है वो जल्दी पहुंच जाएगा जमीन पे, पंख देर में पहुंचेगा, ये पहले मानते थे. मगर वैक्यूम में अगर ये एक्सपेरिमेंट करें तो दोनों साथ साथ पहुंचेंगे. ठीक है, तो इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे. हम प्रैक्टिकली जब है तो एयर रेजिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकते, तो हमारे सारे क्वेश्चन एयर रेजिस्टेंस पे हैं. ये जो कैलकुलेशन है ये वैक्यूम के लिए सही है. तो जब इसको प्रैक्टिकली करना होगा तो वैक्यूम में करना होगा. तो मैं इसमें एक केस दिखाता हूं. ठीक है, स्नेहा का सवाल था. गुरु का सवाल है, सर पर ग्राफ में तो ऊपर पॉजिटिव लिया है ना, इसलिए जब बॉल विल कम डाउन देन वेलोसिटी इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव. एक्चुअली में ग्राफ जो बना है वो वेलोसिटी की ऊपर की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है. तो जब मतलब इसमें ये ग्राफ स्टैंडर्ड लिया है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव. तो ग्राफ जब पूछेगा, अगर कोई ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ में उसको बताना पड़ेगा कि वो किधर पॉजिटिव ले रहा है, किधर नेगेटिव ले रहा है. ग्राफ के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे की तरफ वेलोसिटी नेगेटिव है. अभी ग्राफ में ठीक से एनालाइज करके एक बार फिर बताऊंगा, है ना. ग्राफ पे एक बार फिर लाइव दिखाऊंगा ग्राफ पे. बहुत क्वेश्चन है भाई. अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू ग्राफ. हाँ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ इट इज रियली वेरी फाइन. I am talking about the second graph in upper. एक साथ कमेंट, सर दोनों का फोर्स तो अलग अलग होगा. कुलदीप, कभी फोर्स अलग अलग नहीं होते. ऊपर जाते समय और नीचे आते समय एक ही फोर्स लग रहा है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये चीज समझ लो, कुलदीप वाले डाउट कई लोगों को हो सकती है ना. कुलदीप वाले डाउट बहुत कॉमन है, ये कई बच्चों को होती है. मैं अलग से एक प्रेजेंटेशन में लेता हूं. अर्थ हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, धरती हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है. ठीक है, तो ये तो धरती का जो फोर्स होता है वो डाउनवर्ड होता है. ठीक है, धरती का जो फोर्स होता है ये उसको अच्छी तरह से याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और अगले कई चैप्टर में ये हर चैप्टर में बहुत काम की चीज है. तो अगर कोई बॉल है, कोई बॉल हमने कैसे भी फेंकी, एक मैं बॉल ले लेता हूं, जस्ट एक बॉल एक दिखाता हूं तुम्हें. एक सेकेंड, एक मैं प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. जस्ट अ मोमेंट, एक मैं दिमाग में एक चीज आई है तो बनाने की कोशिश कर रहा हूं. दो मिनट देखना. अगर मैंने ये बॉल ले लिया, ठीक है, ये बॉल किधर भी चले, ये वर्टिकली ऊपर नीचे आई थिंक दिख रही होगी, या तो ये वर्टिकली ऊपर नीचे चल सकती है, ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन भी कर सकती है, फुटबॉल भी हो सकती है, किधर भी चले, इसका किधर भी मूवमेंट हो, है ना, कैसे भी मूवमेंट हो. तुम फुटबॉल खेल रहे हो, कोई क्रिकेट खेल रहा है तो बॉल को हिट कर दिया, कोई इसको फेंक रहा है तो बॉल ऐसे है, कोई फेंक रहा है तो बॉल ऐसे है, कोई इसको बॉल को ऊपर फेंकेगा तो बॉल ऐसे जाएगी फिर वापस आएगी, ऐसे बॉल ऐसे जा रही है फिर वापस आ रही है ना. कोई बॉल को ऐसे थ्रो कर रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, अभी आगे प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा. बॉल का कैसा भी मोशन हो, हर जगह अर्थ बॉल को किसी भी जगह पे, बॉल की कोई भी लोकेशन हो, बॉल की ये लोकेशन हो, ये लोकेशन हो, कैसे भी लोकेशन हो, ऊपर नीचे कोई भी लोकेशन हो, हर जगह
अर्थ बॉल को डाउनवर्ड पुल कर रही है, अर्थ बॉल को, अर्थ बॉल पे जो फोर्स लगाएगी वो डाउनवर्ड लगाएगी हर जगह किसी भी लोकेशन पे, बॉल कैसे भी चले अर्थ जो फोर्स लगाएगी वो डाउनवर्ड लगाएगी। अर्थ किसी चीज पे कभी अपवर्ड फोर्स नहीं लगा सकती, अर्थ किसी चीज पे कभी अपवर्ड फोर्स नहीं लगा सकती, अर्थ हमेशा किधर फोर्स लगाती है, डाउनवर्ड लगाती है। इसलिए जो एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में, अब तुम वेक्टर से इंट्रोडक्शन है, एक्सेलरेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो एफ अपॉन एम होता है ना, एम जहां पर बॉल का मास है, ये आगे आएगा। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है, सुनते जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मास अलग है ना, एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है। और हाँ, एक मिनट, एक अच्छा डाउट है वो देख रहा हूं, अप इंटीग्रल सेकंड ग्राफ पर दोनों फोर्स तो अलग अलग होंगे ना, बिल्कुल नहीं कुलदीप, कुलदीप ने बहुत अच्छे से सवाल किए। अर्थ का जो फोर्स होता है, मैं ध्यान दे रहा था, अर्थ के फोर्स को हम, ये मैं समझा देता हूं यहां पर, ये फिफ्थ चैप्टर में आएगा, मगर यहां पर ढंग से समझा देता हूं क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम हो, ये एक्चुअली में इस वजह से आता है, ठीक है। ये अर्थ हर एक चीज पे माना कि अलग अलग फोर्स लगाती है, ठीक है, छोटी बॉल होगी बड़ी बॉल होगी है ना, यहां पे बड़ी बॉल छोटी बॉल हो सकती है, तो अर्थ का जो फोर्स होता है उसको हम वेट कहते हैं, ठीक है, और वेट की वैल्यू होती है m इंटू जी के बराबर, ठीक है। अब मास तो कितना भी हो, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी m, अर्थ का फोर्स क्या होगा, वेट के बराबर m इंटू जी, तो मास मास कैंसिल हो जाएगा। तो सुन लो ध्यान से, और ये चीजें 50 बार आएंगी, अभी इसको नोट करने की जरूरत कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, मैं बताऊं कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज 50-50 बार कम से कम आएगी। अगर कोई एवरेज बच्चा है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता है, जो बहुत स्कॉलर बच्चा है, पढ़ने वाला, थोड़ा प्रैक्टिस करने वाला है, उसके लिए एक चीज हजार हजार बार आएगी, मगर जो नॉर्मल एवरेज बच्चा है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, बहुत कम पढ़ता है, उसके लिए एक चीज कम से कम 50 बार तो आएगी, कम से कम 50 बार। इसलिए बिल्कुल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से सुनना कि यहां पर जो है फोर्स, हर फोर्स जो है वो वेट के बराबर होता है, तुमने पढ़ा होगा इसको, तो एम कैंसिल हो जाता है, तो चाहे हैवी मास हो चाहे छोटा मास हो, एक्सेलरेशन हर किसी का सेम होगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी फिक्स होगी, हैवी मास हो चाहे छोटा मास हो, एक्सेलरेशन फिक्स होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने मिटा क्यों दिया पता नहीं है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी आएगी, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो ये हर जगह जो एक्सेलरेशन होगा वो जी डाउनवर्ड होगा, तो हर एक ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन हर जगह जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, किसी भी लोकेशन पे जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। उसके बाद एक मिनट, हाँ कुलदीप का क्वेश्चन हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड ग्राफ हो गया, सर वेलोसिटी ऑफ बॉल थ्रोन बाय द बॉलर एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर पिचिंग सेम और डिफरेंट, वो तुम डिसाइड कर लोगे राजीव, वो तो डिपेंड करेगा, वो तो निकाल लेंगे है ना, बॉलर तो जब हिट करके भेजोगे तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी, ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, वो निकाल सकते हो। कृष का सवाल क्या है, इफ देयर इज वैक्यूम देन लाइटर थिंग एंड हैवियर विल फॉल अर्थ ऑन द सेम टाइम, व्हाई, इसको मैं दिखाऊंगा कृष, इसको दिखाऊंगा, इसको मेरे पास प्रेजेंटेशन है, ये वाई नहीं है, फिजिक्स में हमेशा वाई नहीं होता, जो चीज दिखती है वो उसको देख लो, तो वाई का, इसका दो मिनट में आंसर दे रहा हूं। कृष का सवाल भी बहुत अच्छा है, तो कृष का आंसर, इस पर एक्सपेरिमेंट हुए, आई विल शो यू लाइव प्रेजेंटेशन, एक लाइव वीडियो, लाइव प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। सर उसी ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स mg बोलते हैं, अगर दोनों मास अलग है तो फोर्स सेम कैसे होंगे, अगर दोनों मास अलग है तो फोर्स सेम, फोर्स सेम कहां है, फोर्स सेम नहीं है, एक्सेलरेशन सेम है कुलदीप, एक्सेलरेशन सेम है, मास अलग है, मैंने फोर्स सेम बोला ही नहीं, फोर्स तो अलग है, मगर जब डिवाइड करते हो फोर्स को मास से तो मास मास कैंसिल हो जाता है, एक्सेलरेशन सेम होते हैं, फोर्स सेम नहीं होता है। नीचे जाइए कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट नीचे जाएंगे बिकॉज ग्रेविटेशन, वेलोसिटी इंक्रीज व्हेन बॉल गोज डाउन देन व्हाई सेकंड ग्राफ इज डिक्रीजिंग, सेकंड ग्राफ डिक्रीजिंग कहां है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना नेगेटिव डायरेक्शन में, यहां से देखो, अगर ग्राफ देखोगे, अगर ग्राफ को देखो, देखो ग्राफ यहां से शुरू होता है, ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर देता हूं,
फिजिक्स ऐसी होती है, जब तक फिजिक्स में 50 क्वेश्चन ना है तब तक फिजिक्स नहीं है। चलो आई थिंक दिख रहा है, मैं बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करता हूं, सुनो ध्यान से, ध्यान से देखो। पहले इनिशियल देखो, वेलोसिटी की ग्राफ की बात करता हूं पहले। एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, नेगेटिव है, तो पहले एक्सीलरेशन देखो, वो तो कांस्टेंट है नेगेटिव है, तो पहले इसको देख लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़ो, है ना, उसमें दिक्कत नहीं। अब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, फिर से बैक लाता हूं और अब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा। लेट्स गो बैक एंड वेलोसिटी, गो बैक एंड देन फॉर वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी सबसे पहले मैक्सिमम होगी, पॉजिटिव में मैक्सिमम होगी। मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है, नीचे की तरफ नेगेटिव लिया है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव में मैक्सिमम होगी। फिर वेलोसिटी कम होगी, कांस्टेंट रेट से इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। पॉजिटिव वैल्यू, वेलोसिटी की पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे, देखो यहां पे गैप ज्यादा दिखा रहा है, वेलोसिटी कम होने को शो कर रहा है, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, तो यहां तक क्या हुआ, वाई हाइट है, हाइट मेजर कर रहे हैं, यहां तक हाइट क्या हो रही है, हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। और इसमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसमें देखो अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे वाई टी ग्राफ में, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। अगर इसमें टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का स्लोप कम हो रहा है ना, मतलब वो वेलोसिटी कम हो रही है और वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसमें बहुत सारी चीजें लगा सकते हो, तो ये टेंजेंट का स्लोप कम हो रहा है, टॉप मोस्ट पे टेंजेंट का स्लोप जीरो है, तो टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यहां पे, और हाइट यहां पे मैक्सिमम होगी, है ना, और हाइट पॉजिटिव होगी, हाइट टोटल पॉजिटिव है। फिर हाइट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, देखना, फिर वेलोसिटी जीरो हो गई, अब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, इधर नीचे नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है वेलोसिटी, देखो नेगेटिव में बढ़ रही है, और वाई की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, यहां पर जब वापस आएगा तो वाई की वैल्यू उतनी हो जाएगी, सेम वैल्यू हो जाएगी, और नेगेटिव में बढ़ के उतनी हो जाएगी। एक्सीलरेशन थ्रू आउट कांस्टेंट होगा, तो आई थिंक तुमने समझ किया होगा। गोज डाउन एंड सेकेंड ग्राफ इज डिक्रीजिंग, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नील, ग्राफ की मर्जी, ये क्या फालतू कमेंट मत करो। क्रिश, एयर रेजिस्टेंस विल रेजिस्ट लाइटर थिंग्स। हाँ, एयर रेजिस्टेंस की बात फिलहाल नहीं करते हैं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस में और भी कॉम्प्लिकेशन होंगे, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन अलग होंगी, तो वो कभी और करेंगे, क्वेश्चन लूंगा एयर रेजिस्टेंस का, तब बात करेंगे, एयर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आगे लेंगे, मतलब आई थिंक आगे के चैप्टर्स में लेंगे हम लोग। सर ये तो बचपन में पढ़ा था, बेसिकली यल्ला जो भी नाम है, जेई और नीट में बचपन से 12वीं तक जो पढ़ा था वो सब पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने, तुमने देखा होगा मेरी क्लास सुबह 6-7, मैं छठी से लेके 12वीं तक पढ़ाता हूँ। मैं पहले जो है 11वीं 12वीं ही, मैंने 20 साल तक 11 12th को पढ़ाया, 20 ईयर्स तक 11 12th को पढ़ाया, और मैंने देखा कि बेसिकली 11 12th में जब चीजों को प्रैक्टिकली विजुलाइज कराता हूं तो वो छोटी से छोटी चीज समझ नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत आती है उनको, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में चीजों को रटाना सिखाते हैं, तो 6th 7th 8th में रटने की आदत पड़ जाती है, जब वो 11 12th में आते हैं तो रटने की आदत इतनी हो जाती है कि वो उसको प्रैक्टिकली विजुलाइज करना ही भूल जाते हैं। वो कहते हैं नोट्स दो, ये करो, वो करो, नोट्स लिखवाओ, ये रट्टाफिकेशन, तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो मैंने 2-3 साल पहले सोचा कि अगर मुझे रिजल्ट निकालना है, मेरे पास पहले तो बहुत अच्छे बच्चे आते थे, फिर थोड़े से एवरेज बच्चे आने लगे, कम बच्चे आने लगे, है ना, तो फिर उनका एवरेज बच्चों का रिजल्ट नहीं निकल रहा था, तो मैंने सोचा इनके साथ कैसे काम करूं, एवरेज बच्चों का रिजल्ट कैसे निकालूं। फिर मैंने 6th क्लास, एक दिन अचानक से मुझे 6th क्लास का मौका मिल गया, और मैंने 6th क्लास को कुछ बेसिक चीजें बताई, ऐसे जो तुम्हें बता रहा हूं, एक्सीलरेशन ये सब, वो लोग विद इन सेकेंड बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर गए सारी चीजें उनका, मतलब फिर मुझे समझ में आया कि 6th क्लास का IQ बेस्ट होता है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेकार कर देता है। मतलब एक कहीं पे स्टेटमेंट पढ़ा था हमने कि मैं जब स्कूल में एंटर किया था तब बहुत इंटेलिजेंट था, स्कूल से बाहर निकला तो बेवकूफ निकला, है ना, जितने भी स्कूल है वो, मतलब एंटर करते समय बच्चा सुपर इंटेलिजेंट होता है, धीरे धीरे 12वीं करते करते वो उसकी इंटेलिजेंसी खत्म हो जाती है और बेवकूफ बन के बाहर निकलता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर कुछ एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना है तो बहुत छोटे से बचपन से चेंज करना होगा। तो तुमने देखा होगा मैं ये प्रैक्टिकली भी कर रहा हूं, सुबह छठी की क्लास लेता हूं, 6th 7th 8th की एक क्लास चलती है, फिर 9th की क्लास लेता हूं, तो मेरे यूट्यूब पे सारे वीडियो है, 9th की भी क्लास लेता हूं, 6th 7th 8th की भी क्लास लेता हूं, क्योंकि अगर मैंने जड़ों पर काम नहीं किया तो ऊपर मुझे, मतलब ऊपर जो फल अच्छे हैं वो नहीं मिलेंगे, तो अगर फल अच्छे चाहिए तो जड़ों पर काम करना होगा।
तो ये सब चीजें, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुमने नाइन्थ में ना पढ़ी हो, ये सब नाइन्थ में है, मगर वो रटना नहीं है। और फिर मैंने जब सिक्स सेवन्थ एट देखा तो वो तो सब एनसीईआरटी की बुक में प्रैक्टिकली सिखाने को बोल रहा है, तो वहां पर बच्चे बिना प्रैक्टिकल किए हुए आते हैं। तो सिक्स सेवन्थ एट में खाली मैथ्स है और साइंस तो प्रैक्टिकली करना है। तो अगर तुमने बोला है कि बचपन में पढ़ा है तो याद रखो बचपन की सारी चीजें जेईई नीट में आएंगी, ठीक है। जेईई नीट में वही सेलेक्ट हो सकता है जिसको बचपन से और बारहवीं तक सब बातें याद हो। और वैसे तो ये तो खाली नाम का है सिक्स सेवन एट, नंबर सिस्टम, अच्छा मैं मैथ्स की अगर बात करूं, नंबर सिस्टम कहां से शुरू होता है, सिक्स क्लास से। और हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन के बाद भी नंबर सिस्टम ही मेन होता है, रियल एनालिसिस। कंप्यूटर में भी वही सिखाते हैं, बाइनरी सिस्टम ये, हेक्साडेसिमल सिस्टम ये, जो बेसिक चीज तुम्हें सिक्स में सिखाई थी वही तुम्हारे कंप्यूटर में काम आती है, तो कोई चीज अलग नहीं है। तो अभी क्या है, तुम्हें बचपन से पूरी नॉलेज जो है बहुत हो गया। चलो आगे बढ़ता हूं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सर मैंने भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये बचपन का क्वेश्चन शायद बचपन होगा, ओके वेरी गुड क्वेश्चन। फिर क्या है, नील, व्हेन द बॉल इज गोइंग अपवर्ड वेलोसिटी डिक्रीजिंग एंड व्हेन इट इज कमिंग डाउन वेलोसिटी इंक्रीजिंग, द नेगेटिव साइन इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। अभी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की, वैसे तुम्हारा आंसर है, तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो, तुम आंसर दे रहे हो, आंसर इज परफेक्ट। निकाल पहले, फुर्सत से पहले, मैं कमेंट, अगर फालतू कमेंट करोगे मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, इसलिए फालतू कमेंट मत करो, है ना, फालतू कमेंट मत करो, एकेडमिक के अलावा कोई फालतू कमेंट नहीं, फिर तुम सवाल नहीं पूछ सकते, एक बार ब्लॉक हो गया फिर सवाल नहीं पूछ सकते, ठीक है, इसलिए आपस में कोई कमेंट नहीं करो, यस सर हो गया, आगे बढ़े, डोंट कमेंट। क्योंकि याद रखो मेरे लिए कमेंट बॉक्स एक फालतू की चीज नहीं है, मेरे लिए कमेंट बॉक्स इस समय क्लासरूम है, मेरी क्लासरूम है, तो जरा सा भी तुमने फालतू कमेंट किया आई विल ब्लॉक यू, ठीक है, तो बहुत ध्यान से कमेंट करना और मैं इसमें सवाल दे रहा हूं। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा सारी चीजें, मैंने बहुत सारी चीजें बताई। अब इसी चीज को मैंने बहुत डिस्कशन कर लिया और 57 मिनट का ये डिस्कशन है, मगर जो हमने लॉजिकली किया था अब मैं उसी चीज को फॉर्मूले से करता हूं, इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे, उसी चीज को मैं फॉर्मूले से करता हूं। अगेन बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है इसमें, ग्राफ भी काफी एक्सप्लेन हो गया, ठीक है, यस सर वेरी गुड वेरी गुड, अभी कोई कमेंट नहीं आ रहा, शाबाश, आई थिंक सब समझ में आ गया, और जो भी खास हो यू कैन सेंड वॉइस मैसेज मुझे कमेंट करके। चलो अब मैं फिर से एक बार इसको एनालाइज करता हूं, मगर अब मैं फॉर्मूले से करूंगा, अब तुम्हें लॉजिक से नहीं बताऊंगा। मैंने पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, 20 मीटर, अब मैं प्लस और माइनस की बात करूंगा, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। शुरू में मैंने मना किया था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्मूले मत याद करना, बेसिक से करना, फिर बाद में कल मैंने बोला कि याद कर लेना, मगर क्योंकि तुम 11th क्लास में हो इसलिए वेक्टर फॉर्म में याद करना, तो अगर तुम याद करोगे इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में तो फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू v नॉट, जिसको तुम u बोलते हो वेक्टर का सिंबल लगाने के बाद, प्लस एक्सेलरेशन इंटू टी, क्योंकि हम 11th क्लास में है इसलिए वेक्टर का सिंबल लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है, अगर कोई बिना वेक्टर के सिंबल के करेगा तो वो 11th क्लास में नहीं है, फिर वो 9th क्लास में है, ठीक है। टॉपमोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो जो भी वेक्टर के सिंबल नहीं लगाता है मैं उसको 9th का मानता हूं, उसमें कोई गलती नहीं है, वो 9th में है अभी, अभी वो 11th पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने फॉर्मूले नहीं लिखे, क्योंकि बाद में मुझे बेइज्जत करना था, है ना, इसलिए मैंने खुद ही नहीं लिखे, खुद ही बेसिक से किया। तुम सोच रहे होगे कि बेसिक से क्यों कर रहा है, बेसिक से लंबा पढ़ रहा है फिर भी बेसिक से क्यों कर रहा है, जानबूझ के मैंने बेसिक से किया था, क्योंकि मैं 9th वाले फॉर्मूले, हाँ 9th में होते तो मैं लिख देता v = u + 80, 9th वालों को मैं v = u + 80 से ही बता रहा हूं। खैर, v नॉट की वैल्यू अब तुम प्लस माइनस ले लो, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें ऊपर प्लस लेना है तो प्लस ले लो, मगर ऊपर ही प्लस लेते हैं तो ऊपर प्लस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर प्लस तो नीचे निगेटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ता हमेशा, तो लॉजिक, तो v नॉट की वैल्यू प्लस 20 हो जाएगी, प्लस 20 हो जाएगी, और प्लस एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है, एक्सेलरेशन हमेशा, चाहे बॉल ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ आए, एक्सेलरेशन को तो यहां पे लॉक कर दो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी है, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहां पे मैं वेक्टर नहीं लिख रहा, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, चाहे जी लिख दो या कैसे भी लिख दो, ए भी लिखोगे तब भी चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, यहां पे जी लिखना हो जी लिख दो, ए लिखना हो जो मर्जी हो लिख दो, जो अच्छा लगे, एक ही बात है, जी क्योंकि अर्थ है इसलिए स्पेशल सिंबल देते हैं, यहां पे जो मर्जी हो लिख सकते हो, एज यू विश, जो तुम्हारी इच्छा हो,
तो फिलहाल अपनी इच्छा अपनी श्रद्धा के अनुसार जो लिखना हो लिखना, फिलहाल मैं जी भी लिख देता हूँ, ए भी, जो चलेगा ए भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या लिखता हूँ, सिंबल कौन सा देता हूँ, तो ए ही लिख दिया, चलो। हाँ, तो ए की वैल्यू होगी क्योंकि ये नीचे की तरफ है, मैंने ऊपर की तरफ प्लस लिया है और नीचे निगेटिव लिया है क्योंकि ए नीचे की तरफ है, इसलिए मैं माइनस 10 लिखूंगा। अभी सब ये वेक्टर है मगर अभी मेरे पास सिर्फ दो डायरेक्शन है, ठीक है। हाँ, वी नॉट को यू लिख सकते हैं कुलदीप, अगर वी नॉट को यू लिखना है तो तुम नाइन्थ क्लास में हो, ठीक है, वी नॉट को यू लिख सकते हो, मगर अपनी जो एनसीईआरटी धार्मिक किताब है ना एनसीईआरटी की, उसमें वी नॉट लिखा हुआ है। तो अगर कोई स्कूल, कभी कभी कुछ स्कूल, मैं तो नहीं करूंगा, कभी कभी स्कूल टीचर कॉपी चेक करता है तो वो वी नॉट, मतलब इस बात पे भी नंबर काट सकता है क्योंकि यू आर नॉट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि सीबीएसई के लिए या जो स्कूल सिलेबस के लिए एनसीईआरटी जो है वो गीता, भागवत गीता की तरह होती है, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो सीबीएसई स्कूल को निर्देश दिया जाता है कि एनसीईआरटी को प्रॉपरली फॉलो करें, और एनसीईआरटी में वी नॉट लिखा है तो हम वी नॉट लिखेंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी, वो गलत नहीं है, मगर कोई अगर एनसीईआरटी को ही मानता है तो अलग बात है, तो काट सकता है। ये उसी तरह से सारे ईश्वर अल्लाह एक ही बात है, मगर कोई ईश्वर एक ही को मानता है, मतलब राम को ही ईश्वर मानता है तो अलग बात है, वो है ना। लाइव टेस्ट लूंगा, लाइव टेस्ट का फॉर्मेट है, घबराओ नहीं, लाइव टेस्ट होगा। देखो मैंने बताया ना, एक मिनट मैं इसको पूरा कर दूं, एक मैं कमेंट बाद में देखूंगा, यहां पे जब मैं लिखूं इसको पूरा कर दूं, बीच बीच में ऐसा हो जाता है। वी नॉट की वैल्यू 20 है, प्लस माइनस 10, कमेंट अभी नहीं देखता हूं वरना कमेंट देखने लगता हूं फिर ये सब करना, माइनस 10 इंटू टी, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर तुमने बिना लॉजिक के लगाया, देखो 10 इधर आएगा, 10 टी इधर आएगा, ये मैं चेक कर रहा हूं कितने टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये एक्चुअली मैं क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, कोई क्वेश्चन बनाने वाला पूछ सकता है, फाइंड द टाइम, अगर किसी ने पूछा है ना, क्वेश्चन बना दिया, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो, फाइंड टाइम व्हेन, क्वेश्चन तुम फिजिक्स में खुद ही बना सकते हो, व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो। अब उल्टे सीधे क्वेश्चन मत बनाने लगना, मगर क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है, when velocity becomes zero। तो कोई क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है कि velocity zero कब होगी बताओ, तो logically हमने कर लिया formula से, ये हम formula velocity zero कब होगी, तो ऐसे initial velocity 20 है और 10t इधर आ जाएगा 20, तो जिसको logically समझ में नहीं आया तो यहां से भी वही आ रहा है, तो तुम्हें जो पसंद हो वो कर लेना। t is equal to 2 seconds, तो 2 seconds के बाद velocity zero होगी, ये तो हमने पहले ही सिद्ध पहले ही कर दिया था, ओके। तो ये है कमेंट है, वेक्टर की साइन का कंसेप्ट समझ में नहीं आया। वेक्टर के साइन का कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में या तो वेलोसिटी जैसे यहां पर है इस एग्जांपल में, या तो कोई वेक्टर क्वांटिटी ऊपर होगी या नीचे होगी, एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं, तो यहां पर जो क्वांटिटी ऊपर है वो पॉजिटिव होगी, जो क्वांटिटी नीचे है वो नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होगा इसलिए हमने उसको नेगेटिव लिया है। फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है इसीलिए फॉर्मूला वो मैंने वो नहीं लिखा, फॉर्मूला हमारा वेक्टर, इसीलिए मैं जानबूझ के बी इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं लिखता वेक्टर फॉर्म में। तो यहां तो प्लस लिखोगे, या तो प्लस लिखोगे या माइनस लिखोगे, तो यहां पर भी जीरो वेलोसिटी, यहां पर पता करना था जीरो वेलोसिटी कब होती है, तो ऐसे लिख लिया, तो सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, तो वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो वेलोसिटी जो है ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा। तो वही चीज हमारी यहां से निकल गई, वही चीज थोड़े कमेंट पढ़ लूं, वेक्टर के साइन का कांसेप्ट 2 seconds। हाँ, हमको सर कोई प्रश्नावली मिल सकती है अभ्यास हेतु, हाँ आज आज ही वो मुझे क्लास के बाद कम वो करो, क्लास के बाद मैसेज करो, मैं प्रश्नावली नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन इमेज के फॉर्म में भेजूंगा, ठीक है। जैसे इमेज के फॉर्म में मैं भूल जाता हूँ, इंटीग्रेशन के भी भेजने हैं, तो प्लीज क्लास के बाद मुझे कमेंट कर देना, सेंड, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी भेजने, इसके क्वेश्चन भी भेजने, तो प्रश्नावली क्या, बहुत सारी प्रश्नावली है, तो मैं एक्चुअली में मेरे पास बहुत काम आता है, मैं भूल जाता हूँ, तो याद दिला देना कि सेंड जो है प्रश्नावली, तो आई विल सेंड इट, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अच्छा, अब इसमें अगर पूछा जाए तो बेसिक ही लगाना, बेसिक इसमें लगाना, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट लगाना 2 seconds बाद। अगर इसमें यही पूछे कि मैक्सिमम हाइट कितनी है,
अगर ये पूछे कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक चेंज कर दिया मैंने, आज लाइव इसको मैं पूरा कर लूं है ना, लाइव टेस्ट शुरू कर दो, एक तीस, एक घंटा 30 मिनट हो गया है, अभी 1 घंटा 30 मिनट का हुआ है, 1 घंटा 5 मिनट ही हुआ है, अभी 1 घंटा 5 मिनट हुआ है, 5:25, 4 बजे क्लास नहीं शुरू हुई थी, मेरे में 1 घंटा 5 मिनट दिखा रहा है, रुक जाओ 10 मिनट और, रुक जाओ 10-15 मिनट फिर लाइव टेस्ट शुरू करूंगा है ना, तो लाइव टेस्ट शुरू करूंगा, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट इसको मैं पूरा कर लेता हूं अभी, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और इसके ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर प्रश्नावली दूंगा, प्रश्नावली ऐसे उल्टी सीधी नहीं दूंगा जैसे कुलदीप कह रहा है कोई प्रश्नावली, आज जो पढ़ाया है उसी, इसीलिए मैं छाट छाट के देता हूं, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा होता है कुछ भी नहीं करना होता है, जो पढ़ लिया उसके हिसाब से ही दूंगा, उसके हिसाब से ही प्रश्नावली भेजूंगा जो भी है, क्वेश्चन बैंक प्रश्नावली, क्वेश्चन बैंक दैट इज। दूसरी अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं इस पार्टिकल को फेंकता हूं, बेसिक से देखना, इस पार्टिकल को ऊपर फेंकता हूं, हरे वाले पार्टिकल को, इसका मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैं इसको डिस्कशन को पूरा कर लूं, जैसे ये है वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी डायग्राम के हिसाब से है ना, ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी, उसी को मैक्सिमम हाइट कहते हैं, तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, उसके बाद ये पलटी मारेगा, तो ये मैक्सिमम कितनी दूर तक जाएगा, इसको चाहे h मैक्सिमम बोल दो या y मैक्सिमम बोल दो, कुछ लोग इसको हाइट h से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y से नहीं, h से भी रिप्रेजेंट करते कई लोग, ठीक है, तो यहां पर अगर h भी हो जाए तब भी चलेगा, ये मैं बता दूं, h y की जगह h भी यूज कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है फिर यहां से पलटी खा के वापस आ रहा है, ऐसे जा रहा है, दिस इज द ट्रैक, आई शुड यूज डिफरेंट कलर ना, मेरे पास जब अलग अलग प्रकार के रंग हैं तो मैं उनको प्रयोग क्यों नहीं करता हिंदी, तो वी शुड, मगर मुझे इंग्लिश ज्यादा पसंद है। सो ये है टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है और ये यहां पर रिटर्न होके आता है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो फॉर्मूला लगा लो मैक्सिमम हाइट वाला, इंटीग्रेट करके निकाल लो, या फॉर्मूला रटवाया था क्या था, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, क्योंकि वाई डैश डेल्टा वाई इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिखना अगर डायरेक्टली याद करना है, बी नॉट टी, यू लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, यू चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें यू लिखना है तो वैसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, यू टी लिख सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि यू और वी एक ही बात है, वी नॉट, मगर जो एनसीईआरटी को आंख बंद करके फॉलो करते हैं उनको तकलीफ हो जाती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं किसी भी किताब को फॉलो नहीं करता, इसलिए तो वो देख लेना। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यहां पे जीरो वैल्यू ले ली, यहां पर कहीं पे जीरो वैल्यू तो होगी, तो मान के चलता हूं मैं y की इनिशियल वैल्यू जीरो है, कमेंट में नमी, तुम खोपड़ी देख के समझ जाओगे मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ाने में व्यस्त हूं अभी, अभी मैं बिल्कुल कमेंट नहीं देख रहा, थोड़ी देर में देखूंगा, पहले समझा देता हूं ना? यहां पर y की वैल्यू जीरो होगी, y की वैल्यू जीरो होगी, तो डेल्टा y का मतलब क्या हो जाएगा, y की मैक्सिमम वैल्यू जो कि पॉजिटिव होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू माइनस जीरो, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ये थी 20 मीटर पर सेकंड थी, दिस वाज 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, तो ये आई थी, ये हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और क्या चाहिए मुझे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हाइट, तो टाइम तो पता लग गया तुम्हें, 2 सेकंड है टाइम, 2 सेकंड लगा, 20t प्लस हाफ a, एसेलेरेशन नीचे की तरफ है और उसकी वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नीचे की तरफ 10 होगा तो माइनस हो ही जाएगा, एक्चुअली में माइनस दोबारा मत लिखना, ऐसे लिखना, इसको ऐसे लिखना, नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऊपर जो भी है वो पॉजिटिव है, नीचे जो भी है वो नेगेटिव है, वाई ऊपर है इसलिए पॉजिटिव है, वाई ऊपर की तरफ इसलिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाई लिखना है यहां पर, माइनस 20 ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव है, टाइम तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, हाफ एसेलेरेशन नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव है, और टाइम का स्क्वायर 2 का स्क्वायर,
आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहां से वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, हाँ मैक्सिमम हाइट जो भी कैलकुलेशन है, मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगी, ठीक है कितनी हो जाएगी यहां पे 40 हो जाएगा, 40 होगा ना, और यहां पर कितना होगा माइनस 1/2 × 10 × 4, तो ये आएगा 40 कहां आ रही भाई, 20 मीटर आ रही मेरी, तो 40 कहां आ रही है, यू 20 है, टाइम 2 है, आई थिंक मेरी कैलकुलेशन सही है, फिर से कमेंट करो सर, वांट द इनिशियल वेलोसिटी। भाई पूरी कहानी खत्म हो गई, फिर कहते हो कि राम कौन है, इनिशियल जीरो तो जाएगा ही नहीं, कुछ लॉजिकली तो सोचो गुरु, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती तो ऊपर कैसे जाएगा, है ना, हाँ वही, अगर इनिशियल किसी की वेलोसिटी जीरो होगी तो जाएगा ही नहीं, ऊपर रखा रहेगा, फिर फेंक देगा क्या मतलब हुआ। तो आई थिंक हाइट मेरी तो 20 मीटर आ रही है, इस हाइट पे कमेंट करो कहीं मैंने कैलकुलेशन वगैरह गलती, तो हाँ ठीक है 20 मीटर आ रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी, किसी चीज को फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकती है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। हाँ किसी को ड्रॉप करोगे ऊपर से ड्रॉप कर सकते हो, वो एक केस आएगा, तो वेलोसिटी जीरो ले सकते हो। चलो वाई मैक्स माइनस जीरो, देखो डेल्टा वाई का मतलब होता है वाई मैक्स माइनस जीरो, डेल्टा वाई का मतलब होता है वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, डेल्टा वाई का मतलब होता है, मैं किधर हूं, डेल्टा वाई का मतलब होता है वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, वाई फाइनल वाई की मैक्सिमम वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, सीधा है, सीधा फॉर्मूला है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो 2 सेकेंड में 40 मीटर ट्रेवल करेगा, मैंने भी फॉर्मूले के ही सॉल्व किया है, 2 सेकेंड में 40 मीटर ट्रेवल करेगा, यस 2 सेकेंड में 40 मीटर ट्रेवल करेगा, स्नेहा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, यहां पर इसकी डायरेक्शन बदलेगी ना, इस तरह से एकदम सही है, तो स्नेहा तुम्हारे तरीके से डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस अब भी 40 मीटर आएगी, ठीक है डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, तो इस तरीके से 1 सेकंड में 20 मीटर, 2 सेकंड में 40 मीटर, तो डिस्टेंस 40 मीटर होगी, तो डिस्टेंस 40 मीटर है, 20 मीटर ऊपर और 20 मीटर नीचे, ठीक है, मगर डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में फिर ऐसे ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो कम भी होता है ना, तो 2 सेकंड में, तो यहां पर अगर हम बात करें, अगर हम बात करें 2 सेकंड बाद, कुछ सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जैसे 2 सेकंड में ऊपर गया फिर 2 सेकंड में ही नीचे आएगा, इसको 2 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे, 2 सेकंड नीचे आने में लगेंगे, तो 2 सेकंड में तो इसका डिस्प्लेसमेंट 40 नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अगर मैं 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूं, 4 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूं, 2 सेकंड में हो गया, अगर 4 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूं, सपोज करो मुझे पता नहीं है और मैं 4 सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूं, सपोज करो मैं 4 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू है ना, U लिख लो, लिखना चाहो तो, मगर वेक्टर का निशान लगाना, हाफ एक्सेलरेशन और टी स्क्वायर। अगर 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं तो U कितना हो गया, U हो गया प्लस 20, प्लस माइनस का ध्यान रखना, प्लस माइनस बहुत फॉर्मूले है, तो फॉर्मूले से प्लस 20 और मुझे चाहिए 4 सेकंड में, हाफ दिख रहा है प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है माइनस 10, ठीक है 4 सेकंड में चाहिए, तो यहां पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 और माइनस ये भी 80 हो जाएगा, है ना माइनस 80, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, या लॉजिकली समझो ना, इतना करने की जरूरत नहीं, पहले लॉजिकली 4 सेकंड में ये वापस यहां पर आ जाएगा, तो ये 20 ऊपर चलेगा और 20 नीचे चलेगा, तो टोटल तो 40 मीटर चलेगा, मगर क्योंकि पलटी खा गया इसलिए वहां पर वापस आ जाएगा, है ना। आई थिंक समझे, आई थिंक बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आई होंगी, आई थिंक सब लोग ग्राफ समझ गए, सारे ग्राफ का एनालिसिस और ये केस पूरा हो गया,
ठीक है, और मतलब ऐसे ही फॉर्मूले लगा देते हैं कभी इसको, कुछ बच्चे शॉर्ट में कुछ फॉर्मूले रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मर्जी तुम्हारी, वो यू अपॉन जी वगैरह याद रट्टा लगा लेते हैं, तो वो प्रैक्टिस करते समय अगर तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट को ही लगाने हैं तो मुझे वो पसंद इसलिए नहीं कि वो रिजल्ट है, तो रिजल्ट मेरे को भी याद है मगर रिजल्ट जो है मैं चाहता हूँ बच्चे रटे नहीं, कुछ भी रटे नहीं, फिर प्रैक्टिस करते करते अगर कुछ बाद में रटना पड़े, जैसे जेई नीट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि बहुत सारी चीजें रट लेते हैं बच्चे, हाँ वो ठीक है रटना मगर बिना बेसिक कंसेप्ट समझे रटना सही नहीं है, तो पहले कंसेप्ट को समझो फिर आगे रिजल्ट को रटो, ठीक है। मैं भी रटवा सकता था बी इक्वल टू यू प्लस 18, नहीं रटवाया मैंने, मैंने कंसेप्ट पहले समझाया फिर, अब कंसेप्ट लगाने के बाद फिर याद कर लो तो याद कर लो, ओके। तो ये है, ठीक है, हाँ डिस्टेंस, हाँ अगर इसमें पूछा जाए डिस्टेंस कितनी है तो वो 40 मीटर होगी राम, डिस्प्लेसमेंट कितना है वो जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी इस तरह की चीज प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आएगी, ये आगे एक्चुअली में कोई भी चीज जो शुरू हुई है वो खत्म नहीं होगी, आगे और भी। अब मैं तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, तुम्हारा थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, वो एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ कि दो चीजें सेम टाइम में नीचे गिरती हैं, वो दिखाता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली कलेक्ट करके रखा है, बीबीसी का एक वीडियो है, तुम्हारा मूड फ्रेश करता हूं, एक मिनट रुक जाओ। गैलीलियो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, तो इसका मैं साउंड ऑन कर देता हूं तो देखो तुम इसको, देखो साउंड ऑन कर देता हूं और देखो साउंड इज ओके, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साउंड ऑन कर देता हूं, ये आई थिंक शुरू से दिखाता हूं, थोड़ा अंग्रेजी में है, चलेगी थोड़ी बहुत अंग्रेजी, ध्यान से देखना इसको, मैं अपनी फोटो हटा लेता हूं, वेट सेकंड, फोटो हटा, फिर से कर देता हूं, ये मुझे नहीं चाहिए था, एक सेकंड, spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out 30 tons of air. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 60 millitorr, 10% open. Station 1, go for drop. CB30-1, pressure 7.240 psi. We are go for drop. Thank you.
Look at that. They came down exactly the same. Thought of his life was this, the reason for the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling, they're standing still, there is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. So he concluded, they weren't. Okay, तो इसमें कुछ ऐसे एक मिनट मैं आया था वापस ये एक सेकंड पहले तो ये किसी ने जीत ने कमेंट किया है कि ये बीबीसी टू ब्रेन क्लॉक का वीडियो है आई हैव सीन दिस वीडियो मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये वीडियो बनाया है ठीक है तो ये उसी का वीडियो है ऑब्वियसली और जो लोग बच्चे कह रहे थे कि कौन सी बुक ले कौन सी रेफरेंस बुक ले तो मेरा ये इस तरह के जो वीडियो है जो लाइव है यूट्यूब पे हर चीज के लिए ढूंढो वीडियोस तो मतलब प्रैक्टिकली हर चीज को एनालाइज करें तो बेटर देन रीडिंग या बुक लाइव वीडियोस देखोगे तो उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी तो आई थिंक एक प्रॉपर क्योंकि ये बहुत एक्साइटिंग चीज है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इस पे इस चीज को लेके आइज़ैक न्यूटन ने बताया था आइज़ैक न्यूटन ने थ्योरेटिकली इसको प्रूफ किया था मैथमेटिकली प्रूफ किया था उसको प्रैक्टिकली नहीं किया था मैथमेटिकली आइज़ैक न्यूटन के अकॉर्डिंग कि अगर एक फेदर और एक दूसरी चीज गिरती है तो सेम टाइम में पहुंचती है मगर कोई प्रैक्टिकल वे नहीं था उसको समझने का उस एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करने का और वैक्यूम क्रिएट करना इतना आसान काम नहीं है और वैक्यूम अगर तुम ठीक है एक चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो मगर उसमें टाइम बहुत कम होगा क्योंकि जो अर्थ का जो अर्थ की सरफेस के पास जो एक्सेलरेशन है वो बहुत फास्ट होता है अर्थ एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज कर देती है तो ये बहुत तेज है बहुत ज्यादा तेज है तो अगर एक छोटा सा चैम्बर लोगे तो उसमें तो बहुत कम टाइम लगेगा जैसे हमने देखा ना हमारा जो मैंने जो अभी सवाल दिया उसमें कितना 20 मीटर सेकंड मतलब कितने 2 सेकंड में वो ऊपर पहुंच गया 20 मीटर बहुत होता है 20 मीटर कम हाइट नहीं होती है ठीक है 20 मीटर इज आदमी की हाइट 1.5 मीटर होती है तो आदमी की हाइट से काफी ये उतना वो 1 सेकंड में कवर कर रहा है यानी 1 सेकंड में अगर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी 1 सेकंड में 10 मीटर फिर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ जाएगी फिर और ज्यादा कवर करेगा इस तरह से ठीक है तो ये काफी एक्साइटिंग था फिर बड़ा सा चैम्बर लेना था तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया और एनालाइज किया कि फेदर और बॉल सेम टाइम में गिरेंगे अगर वैक्यूम में है तो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया कि फिजिक्स में प्रैक्टिकल फीलिंग इज इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल फीलिंग होनी चाहिए जो छोटे बच्चे को 6th class से दी जाती है वो अगर फीलिंग होगी तो फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट विदाउट फीलिंग थ्योरेटिकली मग अप करोगे तो डिफिकल्ट होगा तो हर सवाल को तुम्हें प्रैक्टिकली करना होगा तो ठीक है तो आई थिंक अब हम स्टार्ट कर सकते हैं क्विज तो जो बच्चे क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो पार्टिसिपेट करें है ना रैंकर्स मैंने इसको नाम दिया रैंकर्स लाइव टेस्ट इस लाइव टेस्ट को दोगे तो तुम्हारी जेई नीट में रैंक आएगी तो ये हमेशा ये अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया वो तो सिलेबस का पार्ट था वो हमें एनसीईआरटी में भी पढ़ना था ऑब्वियसली जेई नीट में भी एनसीईआरटी का सिलेबस है बस क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो 5 या 10 क्वेश्चन का हम करते हैं रैंकर्स लाइव टेस्ट रैंकर्स या जो भी है जो रैंकर्स वर्ड चलता है तो लिख लेता हूं तो प्रमोट करने के लिए रैंकर्स लाइव टेस्ट ये सबसे इफेक्टिव है उसके बाद लास्ट में सब्जेक्टिव टेस्ट होगा सब्जेक्टिव टेस्ट में केमिस्ट्री की क्लास के बाद लूंगा फिजिक्स की बीच में एक और क्लास है ना लास्ट में लूंगा है ना इन 50 सेकंड 1 किलोमीटर हाँ कवर 1 किलोमीटर इन द ग्रेविटी यस
यस ऋषभ, 50 सेकंड में 1 किलोमीटर कवर होगा अंडर ग्रेविटी। अच्छा वो कैलकुलेट करके देख लो, मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, इस कैलकुलेशन को देख सकते हो, ऊपर से ड्रॉप किया वेलोसिटी बढ़ती रहती है, लगाओ फॉर्मूला, तो दिस इज अ ग्रेट, 50 सेकंड में 1 किलोमीटर हो जाएगा अंडर ग्रेविटी, दैट्स इंटरेस्टिंग। चलो तो गेट रेडी फॉर द टेस्ट, तो मैं चलता हूं टेस्ट बॉक्स की तरफ, और होमवर्क के लिए मुझे होमवर्क चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं मेरे और कुछ तुम बुक बुक नहीं करोगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फालतू में, कोई बुक और कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब दूंगा। अच्छा ये इस ये सॉफ्टवेयर क्विट कर देता हूं, वेट अ सेकंड, मैं अभी टेस्ट बॉक्स लेके आता हूं। ओके तो हर टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे, 5 से मतलब अभी आज टाइम देखता हूं, 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करेंगे, 5 क्वेश्चन एटलीस्ट करेंगे, ओके 5 क्वेश्चन एटलीस्ट करेंगे पुराने टॉपिक्स पे, पुराने नए टॉपिक सब पे, तो 5 क्वेश्चन एटलीस्ट 5 क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ठीक है। एक पहले बहुत इजी क्वेश्चन देता हूं, ये बूस्टर क्वेश्चन है, मॉरल बूस्टर है कि बच्चे शुरू में आके घबरा ना जाए, ये पहले क्वेश्चन ही कठिन दे दिया तो वो भाग जाएंगे, तो पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी, आज का नया पेज ले लेता हूं, हाँ ये भी कल किया था, वेट अ सेकंड, आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करो। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, कुलदीप किसी बुकलेट की जरूरत नहीं है, खाली वीडियोस जो पुराने वो रिवाइज करो बस, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे देख लेना, पता नहीं, बट नॉट नीडेड, ये पुराने जमाने की बात ना करो, बुकलेट से क्या पढ़ोगे, सब इसमें वीडियोस में जितना है उतना कहीं भी कुछ नहीं है, है ना, और क्वेश्चन बैंक मुझे देना, तो मैं किसी बुक और उससे मुझसे बात नहीं करना, किसी बुक की मुझे पसंद ही नहीं किताबें, ये वीडियो सफिशियंट है, क्वेश्चन चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, फटाफट करो। फर्स्ट का आंसर सी, कुलदीप का कमेंट सबसे पहले आया, फर्स्ट लिख तो दो भाई, फर्स्ट लिख तो दो, ऑप्शन डी, डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, गुरु का ऑप्शन है, फर्स्ट लिख दो, अरे हाँ अभी कुछ पुराने क्वेश्चन भी लेने हैं, भूल गया, वीडियो क्वेश्चन तो भूल ही गया था, सेकंड नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नहीं क्वेश्चन, उसी को फर्स्ट कर दो, फर्स्ट का डी आ रहा है, कुलदीप को छोड़ के बाकी सब डी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों, कुलदीप इज डिफरेंट,
कुलदीप अब चेंज नहीं करना आंसर, एक ही बार अलाउड है, आंसर चेंज करना अलाउड नहीं है, तो आंसर चेंज मत करना। हाँ नंबर डाल सकते हो फर्स्ट का सी, वो चलेगा, मगर डोंट चेंज योर आंसर, है ना, अदरवाइज टेस्ट से बाहर कर दिए जाओगे। सोच समझ के एक बार आंसर दो, सोचो समझो और आंसर एक बार दो, ठीक है। तो कई लोगों के आंसर मिल चुके हैं मेरे पास, एक जिसमें सी है, बाकी एक दो तीन चार पांच, कई लोगों ने आंसर दिया है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा निलय, तुम शुरू से पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा तो शुरू से सारे वीडियोस रिवाइज कर लो ना, मैंने 25 मई तक सारे डाल दिए हैं, है ना, तो सारे वो जब रिवाइज करते समय फॉरवर्ड कर लो, कुछ बकवास मैंने की होगी फॉरवर्ड बैकवर्ड करके सारी चीजें रिवाइज करो। तो नहीं आ रहा तो पुराना पढ़ा नहीं होगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले तो वेलोसिटी निकाल लो, है ना, वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt, dy अपॉन dt हो जाएगी, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता x या y है, dy अपॉन dt। a नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, a1 यहां पे हो जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करना, क्योंकि अब मैं बहुत, ये बहुत आगे की चीज है, नए बच्चों के लिए भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, तुम जाके पीछे जाके सब पढ़ो, पुराने वीडियोस देखो, नए जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो सारे पुराने दे, मैं वीडियो सबको दे दूंगा, ठीक है, तो वो अपना घर पे बैठ के आराम से बैकअप करो, बस एक आध स्टेप एक्स्ट्रा लिखना तो लिख दूंगा यहाँ पे, मगर इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करना कि पूरा पूरा डिटेल में बैकअप करूं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया, सारे वीडियोस बने हुए, बैकअप करो आराम से, कोई टेंशन नहीं, वरना मैं जूम पे पढ़ाता जीरो, और जूम पे पढ़ाता तो अब तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, सारे बच्चे बहुत कम हो जाते हैं, दो चार बच्चे ही आते हैं खाली पढ़ने के लिए। अभी क्विज में जैसे कम हो गए, अभी तक 19 थे बच्चे, अब क्विज में कम होने लगे, ऐसे ही जूम पे तो और भी कम हो जाते, दो चार ही बच्चे बचते। ये बैकअप कर लो पूरा, ए वन डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए टू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर कितना होता है, 2t, ठीक है। ये तो वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, जो लोग पढ़ रहे उन्होंने बहुत जल्दी आंसर दे दिया होगा, मैं फिर भी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, सॉरी आई हैव टू एक्सप्लेन लिटिल बिट, वरना जो समझ में नहीं आ रहा वो बुरा मान जाएंगे, तो थोड़ा बहुत उनका भी ख्याल करना होता है, मगर ज़्यादा ख्याल नहीं करूँगा क्योंकि बैकअप सब तैयार है, पीछे के वीडियो मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, और बाकी 25 मई के बाद भी सेंड कर दूंगा सारे, मतलब संडे तक सारे वीडियो सेंड कर दूंगा तुम्हें, है ना। नए बच्चे जो भी है मैं सेंड कर रहा हूँ, अभी एक बच्चा नया उसका भी मेरे पास मैसेज आया, मैंने अपने सारे सेंड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वी वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, ए वन प्लस टू ए टू टी, ए वन प्लस टू ए टू टी, ठीक है। ए वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, और प्लस टू ए टू। तो जो लोग डी बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं, तो मैक्सिमम बच्चों ने, है ना, सही किया है, ठीक है। एक बच्चे से गलत हो गया, मगर गलत तो होता ही रहता, कोई टेंशन नहीं। अच्छा मैं बहुत दिनों से कुछ वीडियो क्वेश्चन लेने की सोच रहा था, पहले वही करा देता हूँ, मैं छाट के रखे थे पहले वही खत्म कर देता हूँ, बहुत पहले से क्वेश्चन थे, वेट तो उनको डिलीट मार देता हूँ, गैलीलियो वाला एक्सपेरिमेंट तुम्हें दिखा दिया तो खत्म हो गया, डिलीट कर दो, इकट्ठा मेरे पहले सोल्यूशन थी, ये खुल गया अचानक से, कुछ बहुत प्यारे से क्वेश्चन थे। ये मैं ले चुका हूं ना, ये वाला हो चुका है, ये हो चुका है, ये कमेंट करो, ये पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने, ये कमेंट करो पूरा एक्सप्लेन किया था, नहीं किया था, एक मिनट हैंग कर गया, एक मिनट। एक सेकंड रुक जाओ, सिस्टम इज हैंग्ड, एक मिनट रुक जाओ,
एक सेकंड वेट करो, सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया। हाँ पार्शियल हैंगिंग। रीस्टार्ट, वो फोर्स क्विट मारता हूँ। वेट अ सेकंड, पार्शियल हैंगिंग इज देयर। चलो तब तक ये करो, ये सब समझ में आ गया होगा, नहीं तो मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट केमिस्ट्री। हाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाँ तो पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, केमिस्ट्री के भी होने वाली है 6, थोड़ी देर में बस 5 क्वेश्चन कर लूँ फिर हो जाएगा, है ना। 5 क्वेश्चन बस, 2 मिनट रुक जाओ जल्दी से, मैं 5 क्वेश्चन लेता हूँ। थोड़ा सिस्टम हैंग कर गया था थोड़ी देर के लिए। आई जस्ट टेक 5 क्वेश्चन बस। दो मिनट बस, 5 क्वेश्चन लूंगा बस, सही हो गया बस, 2 मिनट रुक जाओ। 11th ओके। तीन वाला हो चुका है ना, ये वाला लो। ये मगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये वाला ले लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इट्स 6 o'clock। ये वाला लो। हाँ जल्दी दे, 2 मिनट रुक जाओ बस भाई, हो गया हो गया। The displacement of body from reference point इतना, बस 15-20 मिनट में केमिस्ट्री क्लास शुरू करवा दूंगा। 5 क्वेश्चन ले लो, दूसरा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन फटाफट करो, दिख रहा होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज √x(2t-3) वेयर x इज इन मीटर एंड इट इज नॉन नेगेटिव नंबर, है ना। x इज 3 सेकेंड। दिस शोज दैट बॉडी इट रेस्ट एट t = 3/2 is accelerated, is decelerated, is in uniform motion. फटाफट कमेंट करो।
पिछला वाला वो उसमें ऑप्शन नहीं थे, मैं वो कभी और ले लूंगा, करा दूंगा। अभी मैं ऑप्शन वाले सेकंड क्वेश्चन ये है, दिस इज सेकंड वन, इसको सेकंड कर दो, सेकंड को सेकंड कमेंट कर दो, दिस इज सेकंड वन, सेकंड लिख देना, मैं लिख नहीं रहा, सेकंड लिख देना, मैं लिख नहीं रहा इसको। सेकंड का ए कमेंट आ गया, कुलदीप ने सबसे पहले कमेंट किया सेकंड का ए। फाइव क्वेश्चन लेता हूं बस। चलो देखो सेकंड का फटाफट कमेंट करो, एक ही बच्चे ने कमेंट किया इसको। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज गिवन बाय रूट एक्स इज इक्वल टू 2t-3 वेयर एक्स इज इन मीटर एंड अ नॉन नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर है ना, क्योंकि अंडर रूट में आया इसलिए नॉन नेगेटिव नंबर है। ठीक है हाँ चलो देखते हैं इसको, ये थोड़ा कठिन सवाल हो गया। रूट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, रूट एक्स इज इक्वल टू 2t-3 है। ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 2t-3 का होल स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, द वेलोसिटी दिस शोड बॉडी, तो इसकी वेलोसिटी फाइंड कर लें। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, चेन रूल लगा लो, तो 2 into 2t-3 और अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो 2, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी जीरो कब होगी, इसमें कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये पूछ रहा है कि रेस्ट पे कब आएगा, तो पहले तो रेस्ट पे चेक करना है, तो रेस्ट पे, रेस्ट के लिए वेलोसिटी जीरो होगी, तो वेलोसिटी जीरो होगी तो इसको हम करेंगे 2t-3, एक ही टर्म है, that will be 0, यानी t is equal to 3/2 seconds, यानी a वाला सही है। फिर देखें इसका acceleration कितना, a is correct option, तो a is correct, मगर इसमें एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, वो भी चेक कर लें, क्योंकि ऐसे दिया हुआ है, तो a की वैल्यू dv अपॉन dt आ जाएगी, यहां v का टर्म ये है, तो उसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना, dv अपॉन dt एंड दैट इज, है ना, इसको इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा पता ही तुम्हें, 4 into 2 8 meters per second, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट इज एक्सेलरेटेड, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका आंसर सही है ए और बी, इसके दो आंसर सही है ए और बी, आई थिंक ए और बी सिर्फ गुरु का सही है, गुरु इज करेक्ट, गुरु इज करेक्ट, ओनली वन बच्चा, रिपीट दिस वंस मोर, इसमें रिपीट क्या करना भाई, समझ आ गया ना, इसको रिपीट, पीछे जाओ, बैक जाओ और देख लो, और अगर नहीं समझ आया तो इसका मतलब तुमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा होगा। ठीक है निलय रिपीट नहीं कर सकता, ये बहुत आसान है, ठीक है पीछे जाओ 5 minutes जाओ और रिपीट, खुद ही पीछे चले जाओ, मुझसे क्यों रिपीट करवा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, बस हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन खत्म, लास्ट क्वेश्चन, इसमें सारे कवर हो गए, क्वेश्चन 2 हो गया, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन खत्म, इसके बाद इसको कमेंट करो, दिस इज 3 and 4 and 5, 5 क्वेश्चन की सीरीज पूरी हो जाएगी, 3, 4, 5, ठीक है 3, 4, 5, 3, 4, 5, मैं रिपीट नहीं कर रहा, तुम वीडियो में पीछे जाओ और देख लो, है ना, क्योंकि मुझे क्लास खत्म करनी है, अब केमिस्ट्री क्लास शुरू करवानी है। बस लास्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग, क्योंकि आज मेरे बाद, आज मेरी आखिरी क्लास नहीं है, तो आज मैं बहुत लंबा नहीं खींच सकता, है ना, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस बी इज इक्वल टू बी रूट एक्स, वेयर बी इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एज्यूमिंग दैट द पार्टिकल इज लोकेटेड एक्स इज इक्वल टू जीरो इनिशियली एट टी इज इक्वल टू जीरो, All parameter are in SI unit. Find the acceleration of the particle vary with time, such as it is proportional to time. है ना, 3, 4, 5 फटाफट कमेंट करो, 3, 4, 5 एक साथ कमेंट करो, बस खत्म, 3, 4, 5 एक साथ करो, एक साथ भी कर सकते हो, 3rd, 4th, 5th करके कर सकते हो, कमेंट एंड फिनिश, बस लास्ट तीनों में एक साथ डिस्कस कर दूंगा, तो टाइम बहुत कम बचेगा, तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट किया है वो।
थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 4 5 करके कमेंट नहीं आ रहा, फटाफट करो 3 4 5 जल्दी से करो, फिर फिनिश करो, फिर 15 मिनट बाद मैं केमिस्ट्री लगाता हूं। Velocity of particle moving along direction x axis is given by v is equal to b root x, where beta is a positive constant, assuming that the particle is located at x is equal to 0, at t is equal to 0, all parameters are in SI unit, find the acceleration 3 4 5 okay, do hi to karaya maine, acha fourth pehle nikal gaya koi baat nahi। लक्ष्य 11 से एक कमेंट भी आया, देखता हूं मैं मोबाइल में देखता हूं। ओके, आंसर नहीं मैच कर रहा, सवाल ही समझ नहीं आया। अच्छा, सवाल मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की जो वेलोसिटी है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी बीटा रूट एक्स है, बीटा एक कांस्टेंट है लिखा तो है, अज्यूमिंग दैट पार्टिकल इज लोकेटेड एक्स इज इक्वल टू जीरो पे है, ऑल पैरामीटर एसआई यूनिट में है, जो हम मीटर वगैरह यूज करते हैं ये एसआई यूनिट है, तो एसेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल वेरी विद टाइम, एसेलेरेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, ये टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, इट इज अ कांस्टेंट विद टाइम, कैन नॉट बी डायरेक्ट, तो सीधा तो है, इसमें क्या समझने वाला, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ओवर द टाइम कितनी होगी निकालो, तो कुलदीप मुझे तो नहीं लग रहा इसमें सवाल में कोई दिक्कत है, सवाल तो सीधा सीधा है ना, ट्राई करो फटाफट करो। सवाल में अंग्रेजी में तो कोई ऐसी हार्ड अंग्रेजी भी नहीं है, तो बहुत आसान सा है, वेलोसिटी बीटा रूट एक्स है, वेलोसिटी बीटा रूट एक्स है। चलो आई थिंक मैं सॉल्व करता हूं, अभी तक थर्ड का किसी ने निकाला, थर्ड का बी के लिए कमेंट आ रहे हैं, आगे कमेंट थर्ड के बी के लिए आ गए, यानी थर्ड के बी के लिए आ गए। एक बच्चे ने सोल्यूशन भी खोजने की कोशिश की है, ना देखो चलो मैं सॉल्व करता हूं जल्दी से, ध्यान से देखो, वेलोसिटी जो है वो बीटा रूट एक्स है, तो यहां पे लेट्स वेलोसिटी, यहां से सवाल पीछे लेना पड़ेगा, तो सवाल ऐसे वेलोसिटी क्या है, बीटा रूट एक्स है ना, वेलोसिटी बीटा, थर्ड कमेंट आ रहा है, वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वी डीवी बाय डीएक्स, याद आएगा फॉर्मूला, याद होगा फॉर्मूला, वेलोसिटी अगर एक्स पे डिपेंडेंट हो तो वेलोसिटी को हम वी डीवी बाय डीएक्स भी लिख सकते हैं, आई थिंक तुम्हें याद होगा ये फॉर्मूला, तो क्योंकि यहां पर टी का टर्म नहीं है, वी और एक्स का टर्म है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, तो v को लिखा बीटा रूट एक्स और dv अपॉन dx, है ना, v को लिखा बीटा रूट एक्स और dv अपॉन dx, v को लिखा बीटा रूट एक्स और dv अपॉन dx, बीटा रूट एक्स इंटू बीटा, है ना, वेलोसिटी इसको ऐसे कर लोगे, वेलोसिटी लिखोगे फिर d बाय dx ऑफ बीटा रूट एक्स, है ना, तो बीटा रूट एक्स को ऐसे ही रहने दो, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो, बीटा कांस्टेंट है, 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, आई थिंक कई बार इसको यूज किया हमने, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, बीटा स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, इसका मतलब एसेलेरेशन बीटा स्क्वायर बाय 2 आएगा जो कि एक कॉन्स्टेंट है, एसेलेरेशन कितना आएगा, बीटा स्क्वायर बाय 2 जो कि एक कॉन्स्टेंट है, तो फर्स्ट का आंसर तो बी आएगा, पीछे जाता हूं, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का बी तो नहीं आएगा, फर्स्ट का आंसर कांस्टेंट आएगा, इट इज कांस्टेंट विद टाइम, है ना, फर्स्ट का आंसर सी आएगा,
क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है बीटा स्क्वायर बाय टू, तो इसका जो आंसर होगा है ना इट इज कांस्टेंट विद टाइम। फर्स्ट का यानी थर्ड का आंसर आएगा सी, थर्ड का आंसर आएगा सी। और आई थिंक ये फॉर्मूला बताया मैंने वी इंटू डीवी बाई डीएक्स, ठीक है, तो थर्ड का आंसर सी आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी होता है। और एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, इसको तुम प्रूव करना। वैसे एवरेज वेलोसिटी के बेसिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो इसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से भी निकाल सकते हो, और मगर ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होती है, हर जगह नहीं होती है, तो कांस्टेंट इसको कल प्रूव करूंगा मैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू भी कर सकते हो, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी बी रूट एस अपॉन, तो ये आ जाएगा ये। तो इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आया है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, इसको मैं कल डेराइव करूंगा, कल मुझे याद दिला देना ये। तो और है ना, नाउ ये हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गई। उसके बाद क्या है नेक्स्ट है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हैव सेम मैग्नीट्यूड। अगर वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, और एक्सेलरेशन कितना है ना, इनिशियल वेलोसिटी, इनका अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ये सवाल क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम ले ले, यहां पे कह रहे हैं एक सेकेंड, यहां पे टाइम एट विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पार्टिकल हैव सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए हम ये यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम बी इक्वल टू यू प्लस एटी यूज कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, वन सेकेंड आएगी, तो टी की वैल्यू वन सेकेंड, टाइम एट विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है प्रैक्टिकली सेम मैग्नीट्यूड, तो डी आएगा। तो थर्ड का सी, फोर्थ का सी एंड फिफ्थ का डी आंसर है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू, सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तब होती है। आज टाइम बहुत हो गया है तो मैं इसको डिराइव नहीं करता हूं, कल मुझसे पहले यही डिराइव कराना, तो कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे लिख देना, सर प्रूफ वो एवरेज वेलोसिटी वाला प्रूफ करो, या ऐसे कमेंट कर देना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एवरेज वेलोसिटी है क्या होती है उसको प्रूफ करो, तो मैं कल उसको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी ले लूंगा। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तभी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू, और कहीं पर ये फॉर्मूला यूज मत करना, ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में यूज करना, क्योंकि और कहीं अगर यूज करोगे, और कहीं पे यूज करोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जनरल फॉर्मूला है, मगर एवरेज वो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू, ये फॉर्मूला सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी डिटेल में दिया हुआ है, एक आध क्वेश्चन इस पर बेस्ड होगा, तो इसको कल शुरू करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास खत्म करता हूं, टेक केयर, गुड बाय, है ना। केमिस्ट्री क्लास 15 मिनट के बाद शुरू हो जाएगी, 15 मिनट के बाद लगाता हूं मैं केमिस्ट्री क्लास, टेक केयर।